इसके अंदर हाँ लास्ट टाइम शुरू किया था, कैलोरी मीटर हमने कर लिया था, ये टॉपिक हमने कर लिया, हमने स्टार्ट करना था थर्मल कैपेसिटी, हमने कर ली थर्मल कैपेसिटी और हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट लॉ, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये सबको समझ में आता है। नेक्स्ट है डी क्यू और डी यू और डी डब्ल्यू की कैलकुलेशन में जब भी क्वेश्चन होगा डी क्यू की कैलकुलेशन में नंबर ऑफ मोल्स एन सी पी आएगा, हमने डिस्कस किया था, डी यू की कैलकुलेशन में सी वी आएगा, ये पॉइंट समझ में आता है, और वर्क डन की कैलकुलेशन में पी डी वी आएगा। ये जो सी यूज करते हैं दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी, नॉर्मली स्पेसिफिक हीट यूज करते हैं तो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर की बात हुई तो बड़ा सी यूज करना है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था छोटा सी यूज नहीं करना, ठीक ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है इन सम क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ओनली सिंबल कैपिटल सी इज यूज, कुछ बुक्स में कैपिटल सी लिखता है उसके पैर में ना सी वी लिखता है ना सी पी लिखता है, तो कई बुक्स इसको सी पी मानती हैं, सी पी मानती हैं, कई बुक्स ये मानती हैं कि ना तो क्वेश्चन कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हो रहा है ना क्वेश्चन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, वो एग्जैक्टली सही है मेथड, ठीक। लेकिन अब ये अपनी ऑथर के ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या सोचता है, मेंस वाले लोग क्या सोचते हैं बता देता हूं। मेंस वाले कैपिटल सी को सीपी नहीं मानते, अगर वो सिर्फ कैपिटल सी लिखते हैं इसका मतलब ना वो कॉन्स्टेंट प्रेशर है ना वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, डिफरेंस समझ में आ गया, और रूल वाइज भी यही होना चाहिए, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है और सबसे मजे की बात है उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन दिए 2017 में, दिखाता हूं मैं क्या क्वेश्चन डाला उन्होंने कैपिटल सी के ऊपर। टाइप ऑफ प्रोसेस से अगर शुरू करें फर्स्ट लॉ में, टाइप ऑफ प्रोसेस के अंदर आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और पॉलीट्रोपिक। मेंस वालों को जो क्वेश्चन आने वाला है वो पॉलीट्रोपिक पे आएगा, ठीक। तो क्या है पॉलीट्रोपिक, बहुत बार आया हुआ है और अगर मेडिकल में भी आया तो मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है आपको। तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, इन जनरल किसी भी इक्वेशन किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है दैट इज पी वी रेज टू पावर एक्स इज अ कांस्टेंट, तो डिपेंड करता है कि, और ये एक पॉलीट्रोपिक इक्वेशन मानी जाती है वैसे, और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, ये सारे प्रोसेस ही पॉलीट्रोपिक है, इन जनरल सारे प्रोसेस पॉलीट्रोपिक होते हैं। पॉलीट्रोपिक एक इन जनरल इक्वेशन होती है जिसके अंदर अगर एक्स वन हो जाए तो ये प्रोसेस पॉलीट्रोपिक को क्या कहते हैं, आइसोथर्मल। अगर ये एक्स की वैल्यू गामा हो जाए तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी एडियाबेटिक की, यही होती है एडियाबेटिक की। अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए तो वी रेज टू पावर जीरो वन हो जाएगा, पी इज अ कांस्टेंट तो क्या हो गया आइसोबैरिक हो गया, और अगर एक्स इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट का मतलब है बहुत बड़ा वॉल्यूम हो जाए वी रेज टू पावर इंफिनिटी तो ये क्या माना जाएगा, वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट, तो क्या प्रोसेस आइसोकोरिक। और नेक्स्ट अदरवाइज अगर कुछ ना हो एक्स कुछ भी हो जाए सेवन बाई टू कुछ भी जो कि ना गामा से मैच करता हो तो फिर ये प्रोसेस क्या हो जाएगा पॉलीट्रोपिक, तो ये चारों में से कुछ नहीं होगा, राइट। तो क्योंकि आप केमिस्ट्री के अंदर आइसोथर्मल एडियाबैटिक ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं आपको कैसे करना है, पॉलीट्रोपिक ऐसा प्रोसेस है जो पता नहीं कैसे करना है, तो इसकी इसके बारे में आज बताऊंगा आपको, ठीक। तो यहां से स्टार्ट है, एन आइडल गैस अंडरगोज अ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, 2016 या 17 का आया हुआ मेंस का क्वेश्चन है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस इन विच हीट कैपेसिटी कैपिटल सी इज अ कांस्टेंट, तो उसने कहा हीट कैपेसिटी कैपिटल सी के पैर में ना पी है ना वी है, तो कुछ भी कैपिटल सी इज अ कांस्टेंट, पीवी रेज टू पावर एन इज अ कांस्टेंट इक्वेशन गिवन है और ये बता भी नहीं रहा कि कौन सी इक्वेशन है ये, और फाइंड एन और ये एन की ऑप्शन थी। अब मुझे ऑप्शन देके तो समझ में आ रहा है सीपी सीवी और सी में डिफरेंस है, तो एक टर्म कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है एक टर्म कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे और एक कुछ भी है ना कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है ना कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, राइट। तो ये ऑप्शन मार्क करनी थी, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं नॉलेज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सी और सीपी और सीवी का क्या रिलेशन निकलेगा मालूम नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि अब आपको इतना सा आइडिया हो चुका है कि यहां पर ये वन नहीं है ये गामा नहीं है ना ये आइसोथर्मल है ना ये एडियाबेटिक है। तो जिन लोगों ने अभी ये अभी ध्यान से सुना, हाँ एक और चीज, इसमें क्वाजी स्टैटिक वर्ड यूज किया हुआ है, बहुत बार यूज करता है क्वाजी स्टैटिक, कोई लेना देना नहीं क्वाजी स्टैटिक का आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वाजी स्टैटिक का मतलब है एक स्लो प्रोसेस है, मतलब स्लो बोल लेता तो भी उसका काम चलता था पर डराने के लिए सफिशियंट है कि क्वाजी स्टैटिक मुझे आता नहीं होगा बच्चा कहेगा, ठीक, पर अब कोई ये यूज नहीं होगा हमारे यहाँ। नेक्स्ट है अ प्रोसेस इज पॉलीट्रोपिक, समझ में आया क्यों, क्योंकि एन की कोई वैल्यू आप मैच तो कर नहीं रहे उन चार वैल्यूज के साथ, तो ये किस कैटेगरी में चला गया पॉलीट्रोपिक।
पोलीट्रोपिक प्रोसेस अभी आज की डेट में आपको आता नहीं है या भूल चुके हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से पहले क्या करेंगे, व्हाट इज पोलीट्रोपिक, पोलीट्रोपिक को सॉल्व कैसे करते हैं इसको समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं. तो पोलीट्रोपिक की इक्वेशन क्या होती है, पीवी रेज़ टू पावर सम एक्स इज अ कॉन्स्टेंट और पोलीट्रोपिक प्रोसेस में एक्स वन नहीं होना चाहिए नहीं तो ये आइसोथर्मल बन जाता है, राइट. ये इसकी कंडीशन है. तो एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी, जैसे अगर वन होगा फिर तो आइसोथर्मल ही बोल देंगे आप, वैसे गामा भी नहीं होनी चाहिए फिर वो एडियाबेटिक हो जाएगा. तो इसके अलावा कुछ भी चलेगा. आगे इसका एक फॉर्मूला है जो बहुत यूज होता है पोलीट्रोपिक का, और यही फॉर्मूला यूज होता है मेडिकल नॉन मेडिकल, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कैपिटल सी मोलर हीट कैपेसिटी, ना कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ना कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे चल रही है. कैपिटल सी का फॉर्मूला सीवी के साथ कैसे रिलेटेड है, आर अपॉन वन माइनस एक्स, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ठीक, ये फॉर्मूला कहां से आता है पहले दो मिनट अपनी सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए देखते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, स्पेशली मेडिकल को तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉन मेडिकल को फिर भी शायद 1% जरूरत पड़े क्योंकि हो सकता है वो कल को कुछ क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट कर दे. तो हम सीख लेते हैं फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसको डेल्टा टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया और हीट अपॉन टेम्परेचर, लास्ट टाइम मैंने बताया था लेक्चर में ये हीट कैपेसिटी होती है. तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी होता है अपॉन डेल्टा टी और वर्क डन अपॉन डेल्टा टी, राइट. तो यहां से ये कैंसिल हो गया, एन सी वी आ गया और क्या बचा, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी. अब मैं क्या करूंगा, मैं इनकी रेशियो निकालूंगा. इनकी रेशियो निकालने के लिए कभी भी आपको अगर डेल्टा डब्ल्यू निकालना हो क्वेश्चन में, डेल्टा डब्ल्यू निकालने का एक ही तरीका है, पी डी वी की इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड है यहां से कहां तक, इनिशियल से लेके फाइनल तक. तो इसके अंदर जो इक्वेशन है पॉलीट्रोपिक की, पीवी रेज़ टू पावर एक्स इज अ कांस्टेंट है, तो यहां से p1 v1 x p2 v2 x इक्वल टू k कांस्टेंट है, या p की वैल्यू k v रेज़ टू पावर x या k v रेज़ पावर माइनस x हो जाएगा. इस p को उठा के यहां पे पुट करते हैं तो आपके पास ये टर्म आएगी, k बाहर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इनिशियल से लेके फाइनल, और फिर अगर लिमिट करेंगे इसमें अगर लिमिट पुट करेंगे एक बार अपर एक बार लोअर तो ये टर्म आएगी, के से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये टर्म आएगी, लेकिन के की वैल्यू या तो लिखो पी आई वी आई एक्स या पी एफ वी एफ एक्स, क्योंकि अभी मैंने बताया पी वन वी वन रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू पी टू वी टू रेज टू पावर एक्स वैलिड है. तो एक बार के की जगह फाइनल वाली टर्म पुट कर दी, एक बार के की जगह इनिशियल, जब ऐसा किया तो सॉल्व करके ये टर्म आई, और पी वी क्या होता है एनआरटी, पी वी क्या होता है एनआरटी, यहां से एन आर कॉमन आ गया, टी एफ माइनस टी आई क्या हो गया डेल्टा टी, हमने क्या निकालना है डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी की वैल्यू आ गई एन आर बाय वन माइनस एक्स. आपको नहीं करनी प्लीज, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर सीधा फॉर्मूला याद करवाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, कुछ आइडिया हो जाएगा आपको कैसे हो क्या है. इस वैल्यू को उठा के आपने ऊपर जो टर्म थी ये रही डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ से ये वैल्यू आ गई और ये हीट कैपेसिटी एन इंटू सी लिख लेते हैं, ठीक, एन इंटू सी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी तो ऑब्वियसली कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से एन 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 और एन क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लेना चाहिए था रादर एन सी डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, राइट. तो यहाँ से एन 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 कैंसिल और ये फॉर्मूला बन जाता है. तो आपको ये याद ही करने में बेनिफिशियल है क्योंकि ये कौन ही करेगा वहां पेपर में बैठ के, तो आपको याद करना है फॉर्मूला, राइट. तो इस क्वेश्चन को करने का क्या ट्रिक है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कि प्रोसेस इज पॉलीट्रोपिक, फिर दूसरा पॉलीट्रोपिक का फॉर्मूला पता होना चाहिए सी का, ये फॉर्मूला है, ठीक. दो चीजें समझ में आती है यहां पर, ठीक. अब इसको यूज करके देखें कैसे करना है, ये सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं फिर कह रहा हूं, आपको इसको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे करूंगा, आपको कोई नहीं पूछ रहा है. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ये सॉल्यूशन है इसका कि पीवी रेज़ टू पावर एन इज अ कांस्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीट्रोपिक है, फॉर्मूला लिखो पॉलीट्रोपिक का, लिख लिया हमने याद किया एक्स के साथ, इसने क्या पुट किया एन, तो सबसे पहले एक्स की जगह क्या पुट करो एन, फॉर्मूला लिख लिया सी का, राइट. फॉर्मूला लिख के सी की वैल्यू या एक काम करते हैं सी और सी वी एक तरफ और आर अपॉन वन माइनस वन एक तरफ, तो यहां से 1 माइनस एन की वैल्यू ये आ गई, यहां से एन की वैल्यू सॉल्व करके ये आ गई, रीअरेंज किया हमने एन निकाल लिया ना, क्योंकि तो एलसीएम एलसीएम लेके माइनस कॉमन आ गया तो सी आ गया, लेकिन सीवी माइनस सीपी माइनस सीवी क्या होता है आर,
या सी वी प्लस आर क्या होता है, सीपी, ऑप्शन वहां करना है। तो जिसको ये फॉर्मूला पता था पॉलीट्रॉपिक का उसका ही क्वेश्चन ठीक होगा, नहीं तो कोई ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? देखो सोल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन छोटे ही है, पर उस जो स्टूडेंट करके आया ये पूरा कॉन्सेप्ट उसी का सही बैठेगा। वो क्योंकि मुझे पता नहीं कि वो कांस्टेंट प्रेशर है कि नहीं, तो फर्स्ट लॉ में जो डेल्टा क्यू दी जाती है वो एन सी पी डेल्टा टी होती है ना वैसे, पर इसमें वो क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर ऑप्शन सी दे रहा है तो मैं कैसे मान लूं कि वो सी पी ही होगा, राइट? तो उसने सी लेके सॉल्व कर दिया इसे। अगर मैं वो सी पी कर दूंगा फिर मेरा जिंदगी में कभी आंसर नहीं आएगा, फिर तो मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ या तो सी पी होगा या सी वी होगा, फिर सी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। वो तो तब करते हैं क्योंकि प्रेशर हमेशा कॉन्स्टेंट माना जाता है, वो हमारी अजम्पशन है थर्मोडायनेमिक्स की, लेकिन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जरूरी नहीं है कि प्रेशर कांस्टेंट पे काम हो। एनर्जी कंजर्वेशन तो हमेशा लगती है यार, वो क्यों नहीं लगेगा? फर्स्ट लॉ तो लगेगा, हीट डी और वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू में यूज हो गई डेल्टा डब्ल्यू में। देख गैस को एक्सपैंड करना है ना, ये जरूरी नहीं होता कि प्रेशर कांस्टेंट हो, हालांकि हमारा पूरा थर्मोडायनेमिक्स प्लस वन का बेस्ड है कि प्रेशर इज कांस्टेंट, तभी तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी की जाती है। बट अब ये कोई जरूरी नहीं ना, अगर प्रेशर कांस्टेंट ही है फिर तो तू कहेगा दुनिया में सिर्फ दो ही सी एग्जिस्ट करते हैं, या सीपी या सीवी। लेकिन क्या पता किसी स्टूडेंट ने मान लो प्रेशर ना कांस्टेंट रखता हुआ, उसने स्लोली स्लोली अपना काम किया और उस केस में प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखा, फिर हीट तो तब भी जा ही रही है ना तेरी, फिर सी यूज करेंगे बस। यही तो यार वो बारीक डिफरेंस है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया, फिर नहीं तो फिर लोग कर नहीं देंगे सीपी सीवी का क्वेश्चन, तो कर ही देंगे। तो यही तो तीसरा सी इंट्रोड्यूस हो रहा है, सी सीपी और सीवी। तो फर्स्ट लॉ तो हर जगह लगता है, फर्स्ट लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सीपी की जगह वहां सी चलेगा। और पॉलीट्रॉपिक में तो याद ही कर लेना है, पॉलीट्रॉपिक में तो फॉर्मूला ही बड़ा स्टैंडर्ड है, वो सीपी यूज ही नहीं करता यार, पॉलीट्रॉपिक में यूज ही सी करता है, बात ही खत्म है, ठीक है ना? पॉलीट्रॉपिक में बोलता ही नहीं कि मैं सीपी यूज करूंगा, पॉलीट्रॉपिक में सी यूज करता है और सी और सीवी का रिलेशन निकालता है, बात खत्म, ठीक है? सो एक बार नहीं आया, और मजे की बात है दो तीन बार आया पॉलीट्रॉपिक, मैं आपको दिखाऊंगा आगे आगे क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक तो यही क्वेश्चन आया हुआ है मेंस से मैंने स्टार्ट किया है, उसके बाद आपकी जो थ्योरी चलती है मेंस की, मैं बुकलेट के अंदर आप जो मिली हुई है जिन स्टूडेंट को उसमें पूरी डिटेल है, जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, मैं उस बुकलेट में से ही लिख के लाया हूँ जो जो काम की चीज़ है। कुछ नहीं करना आपको, बस ये एक पेज पढ़ना है, आपका फर्स्ट लॉ एकदम तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर पीवी डायग्राम का अगर एरिया निकाला जाए तो आपको वो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन देता है। अगर एरिया की वैल्यू अगर मान लो एक्सपेंशन हो रहा है फिजिक्स में तो वर्क डन पॉजिटिव माना जाता है, और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव माना जाता है, राइट? नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, ये साइकिल है और फर्स्ट लॉ अगर एप्लीकेबल है साइक्लिक प्रोसेस में तो जहां से स्टार्ट किया प्रोसेस घूम के वहीं पर आ रहा है, तो टेम्परेचर की वैल्यू इनिशियल और फाइनल सेम हो जाती है, और अगर टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी डी यू की वैल्यू जीरो होती है। तो याद रखना साइक्लिक प्रोसेस में याद रखना डी यू हमेशा क्या लिया जाएगा, जीरो, ये भी क्लियर है। और फर्स्ट लॉ क्या बन जाएगा, डी क्यू इज डी डब्ल्यू, क्योंकि डी यू तो जीरो हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में। याद रखना अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा साइक्लिक प्रोसेस का तो डी यू को जीरो पुट करना है, टेम्परेचर जहां से स्टार्ट किया कंडीशन वहीं पर आ जाती है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम वहीं पर आ गया तो टेम्परेचर भी अंडरस्टूड है वहीं पर आ गया। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, एरिया इनसाइड अ साइकिल, ये समझ में आता है, इसके अंदर का एरिया इसका नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन माना जाता है। और याद रखना अगर ये क्लॉकवाइज साइकिल है, क्लॉकवाइज एरो बने हुए हैं, तो वर्क डन नेट क्या आएगा, पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या लिखना है, ये बात समझ में आ गई यहां तक। नेक्स्ट है इसी के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डी यू क्या होगा, जीरो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। और फर्स्ट लॉ अगर लगेगा आइसोथर्मल पे तो डी यू को क्या पुट करना है न्यूमेरिकल में, जीरो। आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज अ कॉन्स्टेंट। आइसोथर्मल में वन मोल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना है 2.303 आरटी लॉग का बेस 10 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ये चीज क्लियर है यहां तक? तो ये टर्म आ गई। एडियाबैटिक की इक्वेशन में, एडियाबैटिक का मतलब नो हीट एक्सचेंज, डी क्यू की वैल्यू जीरो। एडियाबैटिक के अंदर फर्स्ट लॉ जब लगेगा तो डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। एडियाबैटिक की इक्वेशन याद रखनी है, पीवी रेज टू पावर गामा इज अ कांस्टेंट या टीवी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज अ कांस्टेंट, क्योंकि 2018 का पेपर इसके ऊपर आया है, टीवी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज अ कांस्टेंट, करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट है वन मोल के लिए एडियाबैटिक के लिए आर इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। एडियाबैटिक में फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होता, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन गामा माइनस वन, या फिर
यहां पर आर टी वन की जगह पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, ये फॉर्मूलाज क्लियर है, और गामा का मतलब यहां पर सीपी बाई सीवी होता है। फॉर्मूलाज क्लियर हो गए यहां तक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, याद रखना इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, और स्लोप ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल की रेशियो हमेशा गामा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन इन अ डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के अंदर सीवी गिवन है, पर मैंने 2018 का पेपर देखा है वो बिल्कुल भी सीवी सीपी और गामा नहीं देता, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले फॉर्मूला भी याद करने हैं और खुद याद करने हैं मोनोटॉमिक डायटोमिक का सीपी सीवी और गामा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें तो मैंने लिख दिया, ठीक, इनिशियली वॉल्यूम वी आई है और प्रेशर पी आई है गैस का, और गिवन पी इज प्रोपोर्शनल टू वी, ये गिवन है, एंड आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम्स डबल, तो बताओ कि मैंने कितनी हीट सप्लाई की कि आरएमएस वेलोसिटी डबल हो जाए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहां तक। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रोसेस कौन सा है, पी इज प्रोपोर्शनल टू वी, मुझे ये समझ में आता है कि आरएमएस वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, लास्ट टाइम किया था, और अगर आरएमएस डबल है तो आरएमएस जो टेम्परेचर ऑब्वियसली क्या किया होगा, फोर टाइम्स, क्योंकि अगर ये फोर करेंगे तो अंडर रूट ऑफ फोर टू आ जाएगा, तो डबल हो जाएगा, तो टेम्परेचर यानी कि कितना हो गया टी से 40, तो आरएमएस स्पीड देने का उसका जो मोटिव है वो ये नहीं है आरएमएस पे क्वेश्चन करवाना है, ताकि आप टेम्परेचर खुद कैलकुलेट कर सके कि टेम्परेचर फोर टाइम हो गया, ऐसे बोल देता टेम्परेचर फोर टाइम हो गया, एक ही बात है। ठीक है, अब मेरे को प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है तभी क्वेश्चन लगेगी, नहीं तो कैसे लगेगी, और मुझे क्या निकालना है, हीट सप्लाइड निकालना है, ज्यादातर केस में हीट सप्लाइड की कैलकुलेशन फर्स्ट फ्लो ही करता है डीक्यू, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू वी, कॉन्स्टेंट इन टू वी, पी बाय वी इज अ कॉन्स्टेंट, वी ऊपर आ गया, पी वी इज अबव माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन से मेल नहीं खाती, तो किस कैटेगरी में चली जाएगी, पॉलीट्रोपिक, बोलेगा नहीं कि पॉलीट्रोपिक का क्वेश्चन है, याद रखना कभी नहीं बोलेगा कि पॉलीट्रोपिक है, खुद स्टूडेंट आइडेंटिफाई करेगा ये पॉलीट्रोपिक है, बस अगर ये पता लग गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फॉर्मूला तो आता है पॉलीट्रोपिक का, क्योंकि पॉइंट समझ में आया कि वो कहां फंसाएगा आपको, तो ये देखो पॉलीट्रोपिक निकल आया, क्लियर यहां तक। तो नेक्स्ट है, अब पॉलीट्रोपिक के केस में पॉलीट्रोपिक का फॉर्मूला हमें आता है, उसने हमसे क्या पूछा कि हमने कितनी हीट सप्लाई की पॉलीट्रोपिक में, पॉलीट्रोपिक में सी कौन सा यूज करते हैं, कैपिटल सी, ना सीपी वाला ना सीवी वाला, कैपिटल सी वाला, क्योंकि बोला ही नहीं कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा है, तो हम यहां ना सीपी लगाएंगे ना सीवी, वैसे नॉर्मली सीपी लगता है हीट में, नॉर्मल अगर पॉलीट्रोपिक नहीं होगा तो ये सीपी में चलता है, पर अगर ये पॉलीट्रोपिक हुआ तो ये सी में चलता है, डिफरेंस समझ में आ रहा है, बहुत बारीक डिफरेंस है सीपी और सी में, ठीक, गलती होने का भी चांस हो सकता है, तो पॉलीट्रोपिक आइडेंटिफिकेशन जब हो जाती है फिर आपने सी ही बोलना है, तो ये सी आ गया, ये आपको निकालना है, अब मैंने लिख भी दिया इन पॉलीट्रोपिक इट इज नॉट नेसेसरी टू पुट सीपी, तो पुट ओनली सी, पॉलीट्रोपिक आ गया तो सी ही पुट करें, और सी कहां से आएगा, सी का फॉर्मूला हमें याद है सीवी प्लस आर बाय वन माइनस एक्स, और एक्स की पावर कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या आएगा माइनस वन, सॉल्व करके क्या आएगा सी, सी को उठा के यहां पे पुट करें तो क्या आएगा 3R, और टेम्परेचर हमें पता है 40 और T, 4 टाइम हुआ था तो 40 माइनस T, सॉल्व करके ये हीट आ गई, पर हमें क्वेश्चन टेम्परेचर में नहीं निकालना, प्रेशर और वॉल्यूम में निकालना है, PV इज इक्वल टू NRT के रिलेशन से NRT क्या हो जाएगा PV, ऑप्शन मार्क करना 9 टाइम्स PIVI, पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई डाउट, ठीक, मेरी कैलकुलेशन देखो ये कहती है, मैं कोई प्रेडिक्शन तो कर नहीं सकता कि जितना मैंने ये कंटेंट लिखा है और मेंस का अगर मैं इवेल्युएट करूं, इस साल का पेपर भी और पिछले इस साल के अंदर तो बहुत बढ़िया हुआ, एक कार्नोट साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आया है, वो तो चलो लोगों का ठीक ही हो गया, दूसरा क्वेश्चन आया सी पी सी वी पे, आज मैं करवाऊंगा 2018 का क्वेश्चन, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ा यार, अप्रोक्सीमेशन मांग गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन में फंसा गया स्टूडेंट को, दिखाता हूँ कैसे, ठीक, क्वेश्चन आता था लेकिन सॉल्व करना कईयों के लिए थोड़ा मुश्किल रहा, तो मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि इन शीट्स को करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि मैं पुराना जितना भी मेंस के पेपर देख रहा हूँ तो वो घूम फिर के वही चीज़ों को बार 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 अलग अलग तरीकों से पूछते जा रहे हैं, तो देखता हूँ मैं आपको करवाऊंगा, अभी आपको पता लगेगा कि कैसे बार बार वही चीज़ों को पूछता है, तो ये स्टेप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है आइडल गैस है, ये 3 साल पहले का मेंस का क्वेश्चन है, नॉन मेडिकल वालों को शायद, मुझे मेडिकल वालों को थोड़ा डाउट है मुझे कि इतना कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं आएगा, मेडिकल वालों को इजी आएगा, वो प्लीज़ अपनी नीट की बुक्स ही फॉलो करेंगे, पर फिर भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं। उसने कहा आइडल गैस है, मोलर हीट कैपेसिटी सी निकालनी है, राइट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, टी नॉट ई रेज टू पावर
अल्फा वी से चेंज हो रहा है, राइट। तो इसके अंदर देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें सी निकालना है, राइट, सी निकालना है। अब अगर मुझे सी निकालना है और ऑप्शन जो बना हुआ था उसमें मेंस में चार ऑप्शन थी वो ऐसा बना हुआ था, मुझे ऑप्शन देख के हिंट मिल रहा था कि ये कहीं ना कहीं पॉलीट्रॉपिक हो सकता है, सीपी यूज नहीं किया, बस सी पूछ लिया उसने, बट मैं श्योर नहीं हूं अभी भी उसने, क्योंकि इक्वेशन नहीं बनाई ना वैसी, तो मैं कह नहीं सकता। और कोई प्रोसेस अगर समझ में ना आए, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है, उसका एक ही इलाज है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक भी फर्स्ट लॉ से चलता है, जो आइसोथर्मल एडियाबेटिक है उनके लिए भी सब वैलिड है, तो फर्स्ट लॉ से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई पॉलीट्रॉपिक की, राइट। अगर हो जाती तो हो सकता है मैं कंपेयर करके कुछ ना कुछ बनाता, पर बनाने की कोशिश भी कर रहा था तो वो बन नहीं रहा था, क्योंकि आर अपॉन वन माइनस एक्स नहीं आ रहा, तो मैं यहां पर फेल हो जाता हूं, मेरा फॉर्मूला यहां पर फेल है, तो मुझे वापस प्रूफ में जाना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ में गए। फर्स्ट लॉ में पॉलीट्रॉपिक की डेरिवेशन क्या थी, एन सी डी टी, डी यू में एन सी वी डी टी और डी डब्ल्यू में पी डी वी। देखो उसने पूरी डेरिवेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया नॉन मेडिकल वालों को, ठीक ठाक चल रहा था, देखो उसने जिन्होंने कर रखा है उनको जल्दी समझ में आएगा कैसे। तो ये टर्म आ गई, अब मुझे क्या चाहिए, डी वी चाहिए, बस ये मैथ्स वालों से मेन वालों से थोड़ी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करवा ली डी वी के केस में। टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर को डी टी से डिफ्रेंशिएट किया, डी टी बाई डी टी वन है, टी नॉट ई रेज़ टू पावर अल्फा वी, और फर्दर डेरिवेटिव में अल्फा बाहर आ गया, डी वी बाई डी टी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो किसकी वैल्यू आ गई, डी टी मेडिकल में नहीं आएगा, प्लीज 2 मिनट रुक जाएं आप, तो ये डी टी की वैल्यू आ गई, और यहां से डी वी का ये फॉर्मूला आ गया। अब डी वी के अंदर ये जो टर्म आ रही थी टी नॉट ई रेज़ टू पावर अल्फा वी, ये एग्जैक्टली किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो वापस यहां पर टी पुट कर लिया, इस डी वी को उठा के यहां पुट कर लिया, यहां पुट किया, तो अब पी क्या होता है, पी की फॉर्म में ऑप्शन ही नहीं है ना, तो पी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी इक्वल टू एन आर टी बाई वी, तो यहां से अब डी टी डी टी डी टी कैंसल, एन 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 कैंसल, और जो भी कैंसल होता है कैंसल होकर आंसर आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है बाकी सब तो ठीक है, जो फर्स्ट टाइम करेगा उसके लिए थोड़ा वो वाला पार्ट ट्रिक, ये देखो एलिमिनेशन कर, देखो यहां तक सबको पता लग रहा था सी सी वी प्लस समथिंग वाला पार्ट नॉन मेडिकल वालों को कैलकुलस से सॉल्व करवाया उसने। तो अब मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन देखने के बाद अगर क्वेश्चन अब नया आता है तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ मुझे क्वेश्चन देके समझ में आता है कि ये वाला पार्ट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो बस यही चीज है, और ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगा होगा, ज्यादा ही मुश्किल लगा होगा शायद उस टाइम अगर नहीं किया हुआ तो, पर अगर आप कर लिया तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद, बट समझ में आ रहा है, ये मेडिकल में नहीं आएगा, प्लीज मेडिकल वालों को नहीं आएगा, कोई डाउट इसमें, ठीक, बाकी को समझ में आ रहा है ना, कैलकुलस वालों को, मैथ्स। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पी वी रेज़ टू पावर अल्फा इज अ कांस्टेंट गिवन है, ठीक है, और गिवन कैपिटल सी इज 5R/4, अल्फा निकालो। देखो थोड़ा फ्लेवर आ रहा होगा यार, पॉलीट्रॉपिक जैसी फीलिंग आ रही है यार, आइसोथर्म मिल नहीं रहा, एडियाबेटिक मिल नहीं रहा, तो पता ही लग रहा है कि वो और कैपिटल सी के पैर में वी भी नहीं डाल रहा, अब मुझे लग रहा है कि ये पॉलीट्रॉपिक की कैटेगरी में जाएगा फिर से एक बार। तो पॉलीट्रॉपिक का फॉर्मूला इस बार मुझे याद था, तो सी इज इक्वल टू सी प्लस आर बाय 1 माइनस अल्फा, अल्फा मींस अब यहां पर तो अल्फा चल रहा है तो अल्फा, तो मुझे पता है कि सी मुझे पता है ये रहा, और सॉरी यार पॉलीट्रॉपिक लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा ही नहीं वर्ड, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन वो वहां वैल्यूज देके मैं जज कर रहा था, मैं खुद ही भूल गया पॉलीट्रॉपिक गिवन है, ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि इसमें गिवन ही दे दिया उसे, पॉलीट्रॉपिक है, सी उसने दे दिया, मोनोटॉमिक गैस इसमें गिवन थी, मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन में, पर गिवन है मोनोटॉमिक गैस है, सीवी की वैल्यू याद करनी पड़ेगी 5R/3R/2, आंसर आ गया। ये तो बहुत आसान हो गया यार, इसमें बोल ही दिया फॉर्मूला लगा लो, बट आप एक चीज नोट करो नॉन मेडिकल वाले, पॉलीट्रॉपिक की लाइन लगी पड़ी है, पॉलीट्रॉपिक की लाइन लगी पड़ी है, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है नॉन मेडिकल वालों को पॉलीट्रॉपिक आएगा, मेडिकल वालों को आइसोथर्मल एडियाबेटिक नॉर्मल क्वेश्चन या ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे जो मैं लेके आया हूं अभी, एक क्वेश्चन नॉन मेडिकल वालों को ग्राफ पे भी आएगा, पीवी डायग्राम के ऊपर आता है, बट आपको समझ में आ रहा है ये कैसे करना है, ठीक। नेक्स्ट है इसमें, ओके नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो के अंदर, अब ये क्वेश्चन आया है, नीट वालों ने दिया था क्वेश्चन ये, बट मुझे लगता है ये मेंस का बिल्कुल सही कैंडिडेट है, पता नहीं कैसे उन्होंने दे दिया, मतलब दो एक पिछले से पिछले साल का यह क्वेश्चन है, ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, और बिल्कुल टिपिकल मेंस टाइप बनता है ये, मेडिकल वालों के लिए थोड़ा मुझे लगा कैलकुलेशन से के हिसाब से बड़ा है, जिस हिसाब से उनको 45 क्वेश्चंस करने हैं, बट चलो प्रैक्टिस हो ही जाएगा अभी।
साइक्लिक प्रोसेस गिवन है, 1, 2, 3, 4 दिख रहा है, और इसमें कुछ ये भी वैल्यूज गिवन है, P3, P4, और ये वैल्यू P0 है, ये वैल्यू P1 = P2 दिख रहा है मुझे यहाँ पर। नेक्स्ट है, P0 की वैल्यू मुझे गिवन है, P1, P3, V2 - V1 भी मुझे गिवन है, वॉल्यूम V2 - V1 की डिफरेंस मुझे गिवन है, मुझे नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। मुझे बात समझ में आती है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन होता क्या है? नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा एरिया इनसाइड अ साइकिल। अब एरिया की बात करें तो एक एरिया क्या चल रहा है इसमें, क्लॉकवाइज, और एक क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने आपको बताया कि एक एरिया पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, समझ आ गया ना, क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव। एरिया होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू ये हाइट, राइट। तो हाइट के अंदर क्या आएगा, ये पी नॉट है, पी नॉट में से पी वन को क्या कर दिया, माइनस, तो ये हाइट आ गई इसकी एरी, राइट। और ऐसे ही हाफ इंटू इसका बेस क्या बनेगा, V4 - V3, और हाइट क्या आएगी, P3, ये पूरे का पूरा कितना है, P3 में से क्या माइनस करें, P0। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई यहां तक, एरिया लिख लिया ट्राइंगल का, क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। मुझे वॉल्यूम का डिफरेंस V2 - V1 तो गिवन है यहां से, राइट, ये तो बात बन जाएगी। 10 लीटर गिवन है, याद करके जाना है 10^-3, तो मीटर क्यूब बन जाता है, कन्वर्जन याद करनी है, वो लीटर में दे देगा आपको, ये वैल्यू आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि मुझे ये टर्म नहीं गिवन, देखो ना, मुझे P0 गिवन है, मुझे P1 गिवन है, मुझे P3 भी गिवन है, और P0 भी गिवन, सारी वैल्यूज गिवन है, मुझे सिर्फ ये नहीं गिवन। इसको निकालने का एक ही तरीका है, सिमिलैरिटी। तो आप सिमिलर ट्राइंगल लगाएंगे, और मेडिकल में आया तो मेडिकल वाले भी मेडिकल तो लगाएंगे लगाएंगे, बट अच्छा क्वेश्चन डाला उन्होंने उस हिसाब से। तो टू सिमिलर ट्राइंगल में बेस अपॉन बेस, ये हाइट अपॉन ये हाइट, तो बेस में V2 - V1 / V4 - V3, हाइट में ये पूरी हाइट कितनी निकल के आएगी, या ये पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, P0 - P1 निकल के आएगी ये वाली हाइट, और ये वाली हाइट क्या आएगी, P3 - P0। तो आपको गिवन 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 क्या जाएगा, V4 - V3। तो आप पुट कर लेंगे यहां पर, वर्क डन आएगा, एक मिनट की का क्वेश्चन तो नहीं किसी भी एंगल से ये, ठीक। और बनता है ये मेंस वालों के लिए भी एकदम सही कैंडिडेट है ये, मतलब बनेगा, सिमिलैरिटी से आपको समझ में आता है कि कैसे करना है, आई जाए तो मैं कहता हूँ, ठीक। लो क्वेश्चन है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालो, इसमें नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन ये आपको निकालना है पीवी डायग्राम से, एरिया निकालना है, समझ में आता है। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया जो निकलेगा, अब एक चीज देखना पड़ेगा, साइकिल तो है नहीं, इसके अंडर एरिया, इसके अंडर एरिया और इसके अंडर एरिया, देखो इसका एरिया तो निकलेगा नहीं क्योंकि वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट है, और वर्क डन क्या होता है, पी इनटू चेंज इन वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो इसका वर्क डन तो हो जाएगा जीरो। इसका वर्क डन क्या होगा, ये वाला एरिया क्या होगा, हाइट P0 * 2V0 - V0 = V0 माइनस में, क्योंकि कंप्रेशन है, अगर कंप्रेशन में जाते हैं फिजिक्स में तो वर्क डन नेगेटिव है, और अगर एक्सपेंशन में जाते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव है। तो एक ये एरिया क्या आएगा, नेगेटिव। अब सीडी का एरिया क्या होगा, ये पूरे का पूरा रेक्टेंगल का एरिया कितना, ये डिफरेंस कितने है, 3V0 - V0, और ये हाइट कितनी है, 2P0 + 2P0, दैट्स इट, पूरे का पूरा एरिया कह रहा हूं, ये पूरे का पूरा एरिया। तो ये पूरे का पूरा एरिया सीडी का आ गया, वर्क डन पॉजिटिव क्योंकि राइट की तरफ एक्सपेंशन हो रही है, उसमें से इस एरिया को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा। तो देखो एक एरिया निकाला सीडी का, सी से लेके डी तक का, 2P0 यानी कि हाइट और इनटू ये विड्थ, ये रही। और एक एरिया निकाला ए बी का, निकाल लो किसका एरिया, एक एरिया पॉजिटिव तो दूसरा एरिया नेगेटिव, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो नेट अमाउंट। पॉइंट समझ में आ रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, क्लियर है। बस ये याद रखना, एक एक लाइन का एरिया निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंशन का वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेशन का वर्क डन नेगेटिव। साइन कन्वेंशन एक ही बार लगाएंगे यार, वो तो आपने ऐसे याद किया हुआ है, वो तो आप ऐसे याद करते हो कि नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू W1 + W2, ना देखे ग्राफ को, W3 W4, फिर आप देखते हो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, मैं देख नहीं रहा, मैं तो मुझे दिख ही रहा है ग्राफ से कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मैंने ऐड कर दिया। अच्छा चलो ऐसे कर लो, आप सारे वर्क डन पहले पॉजिटिव निकाल दो, निकाल दिया, फिर आप कह दो कि ये वाला एरिया जो है पॉजिटिव होगा, एक्सपेंशन है, और ये वाला साइन कन्वेंशन यूज करके कर लेना, आना तो माइनस ही है। ये ना कहना कि पहले उधर भी साइन कन्वेंशन लगाऊंगा, फिर वर्क डन में भी लगाऊंगा, फिर दो बार थोड़ा लगाऊंगा,
एक ही बार लगाऊंगा। वो तो यार एक स्टूडेंट छोटे बच्चों को समझाने का तरीका होता है प्लस वन वालों को, तुम सारे वर्कडन ऐड कर दो फिर पॉजिटिव नेगेटिव देख लो। तुम तो बड़े हो गए यार, तुम्हें दिख ही रहा है कि मैथ्स में ही है। अच्छा मुझे पता, अच्छा एरिया करते हो फिर तो यार नॉन मेडिकल वालों को फायदे हैं। और क्या चाहिए, क्या हुआ, ठीक कह रहे, क्या हुआ, चलो पता नहीं जो भी किया है ठीक है, समझ में आ गया। बस ये बता दो क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक। जैसे नेक्स्ट ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ना पीवी डायग्राम गिवन है, इस पीवी डायग्राम के अंदर एबीसीडी ग्राफ्स गिवन है, तो मुझे दिख रहा है कि ये एक्सपेंशन हो रहा है, मुझे दिख रहा है ये सॉरी ये हाँ ये भी एक्सपेंशन हो रहा है, ये भी वॉल्यूम इसमें भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम इसमें भी बढ़ रहा है, सारे एक्सपेंशन हो रहे हैं इसमें, राइट की तरफ जा रहा ग्राफ, ठीक है। आपको बस ये बताना है कि कौन सा आइसोथर्मल कौन सा एडियाबैटिक है। आइसोथर्मल एडियाबैटिक की पहचान ये कि एडियाबैटिक की जो स्लोप होगी वो आइसोथर्मल से बड़ी होगी, सिर्फ आपने स्लोप्स चेक करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन की क्या कंफ्यूजन है, ए और बी प्रोसेस में प्रॉब्लम यह है कि दोनों प्रेशर एंड वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि प्रेशर भी बढ़ रहा है उधर से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और आइसोथर्मल या एडियाबैटिक इक्वेशन में प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट इज अ कॉन्स्टेंट, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होना जरूरी है, एक अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन मेरे इस क्वेश्चन में ए और बी में प्रेशर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ना तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल होगा ना ये प्रोसेस एडियाबैटिक होगा, तो ए और बी को तो आप देखोगे ही नहीं, ना ये आइसोथर्मल ना ये एडियाबैटिक, और मुझे बताना क्या है आइसोथर्मल या एडियाबैटिक। हाँ इसमें सही है, इसके अंदर देखो प्रेशर कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, इनमें से एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबैटिक है, जिसकी स्लोप बड़ी है वो एडियाबैटिक है, जिसकी स्लोप छोटी है वो आइसोथर्मल है। तो मेडिकल वाले लोग स्लोप कैसे देखते हैं, टैन थीटा, ये बना लें ट्राइंगल, इमेजिन कर लें टैन थीटा जिसका बड़ा होगा उसकी स्लोप बड़ी है, टैन थीटा छोटा होगा स्लोप छोटी, आइडेंटिफिकेशन स्लोप तो निकाल लोगे, पर याद रखना अगर प्रेशर वॉल्यूम दोनों बढ़ते हैं मार्क नहीं करना आइसोथर्मल एडियाबैटिक, क्योंकि ना आइसोथर्मल ना एडियाबैटिक, एक बढ़ना चाहिए तो दूसरा कम होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट वर्क डन इज पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ, इसके अंदर एक छोटा साइकिल है एक बड़ा साइकिल है, बड़ा वाला साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, इसका वर्क डन नेगेटिव, इसका वर्क डन, तो ओवरऑल ऐड करेंगे तो ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव, बड़े वाले के हिसाब से चलेगा, राइट। नेक्स्ट है पी और वी डायग्राम गिवन है, पीवी डायग्राम में 1, 2, 3 ये कर्व्स गिवन है, एक आइसोबेरिक गिवन है, 1 प्रेशर क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट है, 2 और 3 के में 2 आइसोथर्मल गिवन है और 3 एडियाबैटिक गिवन है, हो सकते ना भी गिवन हो, स्लोप देके बच्चे खुद ही पूछ ले कि वो चेक करके बताओ कौन सा आइसोथर्मल कौन सा एडियाबैटिक, जिसकी स्लोप ज्यादा है टैन थीटा इसका ज्यादा है तो ये एडियाबैटिक है और ये आइसोथर्मल है, राइट। तो ये पहचान करने को भी दे सकता है, हालांकि मैंने इसमें लिख दिया, आपको ये बताना है डेल्टा यू की वैल्यू किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव और किसकी जीरो। तो अगर हम ग्राफ नंबर 2 की बात करते हैं जो कि किस कैटेगरी में है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में डेल्टा यू क्या होता है, जीरो, एक आंसर आ गया। नेक्स्ट है अगर हम फर्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, फर्स्ट ग्राफ में प्रेशर कॉन्स्टेंट आइसोबेरिक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन लगेगी, तो अगर और आइसोबेरिक में प्रेशर इज अ कॉन्स्टेंट, तो अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मेरा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, चेक करके बताओ इक्वेशन इस ग्राफ में 1 में वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ये देखो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या कंसिडर की जाएगी, पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज होना, दैट इज पॉजिटिव, राइट। ग्राफ नंबर जो 3 है दैट इज एडियाबैटिक, एडियाबैटिक इक्वेशन क्या होती है, पीवी रेज़ टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट, ये रही एडियाबैटिक, तो फर्स्ट लॉ में लगाएंगे तो डी क्यू क्या हो जाएगा एडियाबैटिक में 0, तो डी यू क्या हो जाएगा माइनस डी डब्ल्यू। अब क्योंकि थर्ड नंबर ग्राफ में ये ग्राफ राइट की तरफ, एरो बनाना भूल गया मैं, राइट की तरफ है, राइट का मतलब क्या होगा, राइट का मतलब एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है पॉजिटिव, और अगर एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव है तो डी यू की टर्म क्या आएगी नेगेटिव, तो यानी कि इस केस में डी यू सिंबल क्या आएगा इसमें, देखना कैसे समझ में आ रहा है यहां तक कौन सा पॉजिटिव।
नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन मेडिकल वालों को बनते ही हैं, कैलकुलस बेस पर उन्होंने कुछ ना कुछ दे ही देना है, फिर देखते हैं, दो तीन करेंगे ना हमें यूज्ड हो जाओगे, पहले तो कर लिया एक ऐसा, देखो दूसरा, अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू वी इज इक्वल टू के टी रेज टू पावर 2/3, फाइंड वर्क डन व्हेन टेम्परेचर चेंजेस 60 केल्विन पर 1 मोल ऑफ अ गैस। मुझे ये समझ में आता है यार, वर्क डन की कैलकुलेशन या तो मुझे आइसोथर्मल पता लग जाए या मुझे एडियाबैटिक पता लग जाए, तो बाद में फटाफट फॉर्मूला लगाऊं मेरा आंसर आ जाए, ना ये आइसोथर्मल है ना ये एडियाबैटिक है, क्योंकि एडियाबैटिक में पीवी रेज टू पावर गामा होता है, अब गामा तो ग्रेटर देन 1 होता है तो 2/3 तो होता नहीं, तो एडियाबैटिक तो बनेगा नहीं, तो बनेगा तो पॉलीट्रोपिक में सी निकालना तो आता है पर वर्क डन निकालना नहीं आता। तो किसी भी प्रोसेस में चाहे आइसोथर्मल चाहे एडियाबैटिक चाहे कोई भी पॉलीट्रोपिक, वर्क डन कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, और यहां से पी की वैल्यू आर टी, वो पीवी इक्वल टू 1 मोल के लिए 1 RT, तो पी की जगह आर टी बाई वी इंटू डीवी, राइट। अब इसके अंदर मैंने नोट लिखा है, टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है तो ऑब्वियसली T2 - T1 गिवन है, तो मैंने ये भी लिखा है वी विल कन्वर्ट इंटीग्रेशन डीवी इंटू डीटी, क्योंकि मैथ्स वाले लोग समझते हैं कि अब फंक्शन किसका चलने वाला है, टेम्परेचर का, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर में चलेगा तो ये डीवी में तो चलेगा नहीं, मेडिकल में नहीं आएगा प्लीज, तो डीवी को डीटी में कन्वर्ट करना आपको कैलकुलस में आता है, कैसे, बेसिक इक्वेशन को लिखा जाए, डीटी डीटी से डिवाइड किया जाए, डीवी बाय डीटी आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म आएगी, और यहां से डीवी इन टर्म्स ऑफ डीटी आप लोग मैथ्स में करते हो, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, नॉन मेडिकल वालों के लिए आपकी चीज करते हो तो ठीक ही पूछ रहे हैं, कौन सा मुश्किल पूछ रहे हैं, तो डीवी की वैल्यू को डीटी की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये सब कुछ टेम्परेचर की फॉर्म में चल पड़ा, तो 1 dT की इंटीग्रेशन T2 - T1 हो जाएगी और टेम्परेचर डिफरेंस कितना गिवन है 60, तो यहां से फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 60 पुट करने के बाद 40 R, मेडिकल में नहीं आएगा प्लीज, आपको फंक्शन कन्वर्ट करने नहीं आएंगे, नॉन मेडिकल में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, नॉन मेडिकल वालों को समझ में आ रहा है यार मुश्किल तो नहीं पूछा उसने, ठीक पूछ लिया उसने, और तो आपको प्रैक्टिस हो गई, जो भी फंक्शन गिवन होता है ना साइड पे लिख के डिफरेंशिएट कर लिया करो बस, अपने आप कुछ ना कुछ तो नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट है, और मोनोटॉमिक गैस वर्क डन एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर इज W, राइट, फाइंड हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, प्रेशर में दे देगा वॉल्यूम में पूछ लेगा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था लास्ट टाइम, मोनोटॉमिक गैस है, वर्क डन कितना है W है, कब, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे गिवन है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे निकालना है, तो मुझे पता है कि अच्छा मेथड 2 है, चलो मेथड 1 के अंदर फर्स्ट लॉ लगाया जाए, फर्स्ट लॉ में 1 CpdT लिखा जाए, 1 CvdT लिखा जाए और ये W लिखा जाए, क्योंकि ये पॉलीट्रोपिक नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो C नहीं लिखना, Cp लिखना है, क्योंकि वो बोल रहा है कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम की कहानी है, C बीच में मत लेके आना अब जबरदस्ती, पॉलीट्रोपिक के केस में लेके आना, बाकी कभी मत लेके आना, बाकी Cp में चलेगा, क्लियर है यहां तक, तो ये टर्म क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर काम करना है, तो मुझे बेसिकली वैल्यू निकालनी है 1 CvdT की, क्योंकि 1 CvdT का मतलब वर्क डन कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, यही तो होगा इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, मुझे ये निकालना है। अब अगर ये निकालना है तो 2 मिनट के लिए इसको ऐसे लिखते हैं, Cp का फॉर्मूला हमने किया हुआ है गामा आर बाय जो γ-1 Cp का फॉर्मूला, सॉरी, तो क्योंकि ये निकालना है इसको साइड पे ले लिया, इसको यहां लिख लिया, तो Cp की वैल्यू γ-R/γ-1, ये स्टेप समझ में आ गया, तो 1 CvdT इक्वल टू γ/γ-1 इंटू RdT, वो अलग कर लिया, माइनस W, PV इक्वल टू RT है, और PV इक्वल टू RT इसको ऐसे लिख सकते हैं, PdV इज इक्वल टू RdT, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर पे स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है, तो जहां जहां RdT आ रहा है वहां वहां क्या पुट कर सकते हैं PdV, तो यहां RdT आ रहा है, इसकी जगह PdV, लेकिन PdV क्या होता है वर्क डन, तो W की फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन W की फॉर्म में चला रहा है, तो W की फॉर्म में आ गया, तो गामा की वैल्यू किस गैस के लिए, मोनोटॉमिक के लिए 5/3 होती है, तो यहां से 1 CV की वैल्यू, ये आंसर आ गया, तो मतलब आपको 1 CvdT निकालना है, तो आपको यहां से वैल्यू मिलेगी, और अगर जिनको ये मजा नहीं आया तो उनको एक लाइन की कहानी सुन लो, आप कुछ मत करो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी में जाएगी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन कहता है इंटरनल एनर्जी निकालने का तरीका NF RT/2, और क्योंकि ये मोनोटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 निकलेगी 1 मोल के लिए, आंसर आ गया, ये बड़ा आसान है, क्लिक करना चाहिए लेकिन इतना, क्योंकि
क्योंकि बंदे को फर्स्ट लॉ सुनते ही सबसे पहले फर्स्ट लॉ ही याद आता है, और थोड़ा क्योंकि सीपी सीवी का भी चक्कर है ना, तो थोड़ा अप्लाई करना मुश्किल रहेगा। फर्स्ट लॉ का मेथड ही ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, मतलब क्लिक वो करेगा कि सीपी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करना है तो 1 CVDT चाहिए मुझे, राइट, और 1 CPDT आपको जो है वर्क डन आपको WK बना उसमें, तो आप खुद देखोगे आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, ये आपको देखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? सो नेक्स्ट है, हाँ इसका फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं हटते वो, कैलकुलस के बिना नहीं बात बनेगी आपकी। मेडिकल में थोड़ा डाउट है, ये भी मुझे जो कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन है मेडिकल में ना, इस टाइप के लंबे, उनमें डाउट है, बाकी सब मेडिकल के कैटेगरी में जाएंगे। जैसे जिसमें बहुत कैलकुलस यूज हो रहा है वो आप छोड़ सकते हैं, या अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों को ईजी क्वेश्चन ही आते हैं। नॉन मेडिकल में तो आएगा यार, कोई ना कोई ऐसा वो पेज फंस ही जाएगा इसमें। देखो दिखाता हूँ, देयर इज एडियाबैटिक प्रोसेस, चलो ये तो खुशी मिलती है, एडियाबैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचना पड़ेगा हमें, पॉलीट्रोपिक में नहीं जाना चाहिए। आगे, इन विच इंटरनल एनर्जी यू डी यू नी किसी इंस्टेंट पर एनर्जी यू इज 2+3 PV गिवन है, 1 mole ऑफ गैस गिवन है, बताओ गैस मोनो डाया या पॉलीटोमिक है, ये क्वेश्चन है। यू लिखा जाए, हम यू में तो काम ही नहीं करते, हम तो डी यू में काम करते हैं फर्स्ट लॉ में, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, डी यू और कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 आनी चाहिए थी, नहीं कुछ गड़बड़ है इसमें यार, आप तो 2 के साथ कोई फंक्शन होगा, कुछ गलत लिखा है, कुछ गलत लिखा गया मुझे लगता है इसमें, 2+ वही तो बोल रहा हूँ ना, वही तो बोल रहा हूँ, चेंज नहीं आएगा ना, कुछ गलत किया है, हाँ मैंने बाद में उड़ा दिया मैंने, अच्छा मैंने ऐसे लिख लिया गलती से, उड़ेगा 2 क्योंकि यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन में यूज़ नहीं हो रहा 2, देखो हाँ मैं करेक्शन करके दूंगा फिर से, राइट, तो देखो इसमें ठीक है, हो गया क्लियर, हो जाएगा, 2 अकेला रह गया ना, अपने को रेशियो निकलेगी नहीं ऐसी। ठीक है, मैं वापस यहीं पे आता हूँ, यू की वैल्यू गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली ये स्मॉल चेन डी यू, 2 की डिफरेंशिएशन प्लीज मैं 0 लिख के दूंगा भी आपको, ये 0 हो जाएगी, राइट, चेंज नहीं होगा इसमें, और 3 क्योंकि मुझे नहीं पता प्रेशर, देखो एडियाबैटिक है, प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज होंगे, तो यू इंटू वी का फॉर्मूला पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी, और ये क्वेश्चन आ जाती है, राइट, अगर 2 ना लगाएं तो डी यू की वैल्यू आ गई। अब डी क्यू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, एडियाबैटिक में डी क्यू क्या होगा 0, तो यहां से डी यू क्या होगा माइनस डी डब्ल्यू जो कि पी डी वी होता है, डी यू यहां से आ गया, डी यू यहां से आ गया, तो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, लेकिन प्लीज यहां पर 2 नहीं चल रहा, ये 2 नहीं चलेगा, तो इक्वेट करके आपके पास क्या आएगा, 3 PdV प्लस 3 VdP इज इक्वल टू माइनस PdV, यहां से PdV वाली टर्म को इकट्ठा करेंगे 4 बन जाएगा, तो सॉल्व करेंगे, 2 को हटाना पड़ेगा मुझे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, अब 2 हट गया देखो यहां से अपने आप ही, तो वैसे लिखा गया एक्चुअल में, कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा, तो ये टर्म आ गई, और इन दोनों इक्वेशंस को P इंटू V से डिवाइड कर दिया जाए, तो P से P कैंसल 1/V, V से V कैंसल 1/P, और इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए बची हुई टर्म को, तो 1 dV log V में जाएगा, 1 P log P में जाएगा, और टेन के डिफरेंस से कुछ कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, सम कांस्टेंट, तो यहाँ पर 4 ऊपर चला गया, 3 ऊपर चला गया, log की टर्म्स को इकट्ठा किया, log राइट पे गया, एक्सपोनेंशियल बन गया, क्यूब रूट लिया, तो ये क्या बन गया, v रेज टू पावर 4/3 P³ बन गया, इज अ न्यू कांस्टेंट, और PV रेज टू पावर 4/3 इज अ कांस्टेंट, इसको अगर कंपेयर करें एडियाबैटिक के साथ तो गामा क्या आता है 4/3, अब मुझे पता नहीं गामा 4/3 क्या होता है, तो गामा क्या होता है 1+2f, गामा की जगह 4/3, यहां से जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी वो निकलेगी 6, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी 6, अब मोनोटॉमिक की 3, डायटॉमिक की 5, अब ये बनेगा ट्राईएटॉमिक, क्वेश्चन आने का चांस कम है, मेरे ख्याल से मेज में नहीं आया होगा ये, पक्का एडवांस में आया होगा, वही इस कैटेगरी में जाना चाहिए उन्हें, मुझे नहीं लगता ये उसमें, मेडिकल वाले प्लीज को भी छोड़ेंगे, मतलब कहीं डर ही जाएं कि यार ये अब ऐसा थर्मो भी आएगा, ऐसा नहीं आएगा, आपको 3-4 क्वेश्चन को छोड़ के जिनमें कैलकुलस यूज किया हुआ है, बाकी सब ठीक है।
नॉन मेडिकल वालों को ठीक है, आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे डीयू डीयू को कंपेयर करके हमने। और एक बात बताऊं, ये ना हमने प्लस वन में एक क्वेश्चन की थी, एडियाबेटिक का प्रूफ किया था, पीवी रिजर्व गामा इधर कांस्टेंट किया कर, वो प्रूफ के ऊपर क्वेश्चन है, ये प्रूफ है एक्चुअल में, एडियाबेटिक इक्वेशन कैसे बनती है ये वो प्रूफ है। पर क्योंकि प्लस वन में इसलिए समझ में आता है क्योंकि नया नया प्रूफ किया होता है, नया नया न्यूमेरिकल है, मैच हो जाता है। अब प्रूफ तो रह गया प्लस वन में, एप्लीकेशन आ गई प्लस टू में, वो मैच कहाँ से करोगे, पता नहीं किसके साथ मैच करना है। अब तो बस जो है बस चले जा रहा है, ऐसे हो रहा है ना। ठीक, लो ये शीट का क्वेश्चन है मेरी, मैं करवाता हूँ ऐसे। और मजे की बात है, मेन क्वेश्चन दे दिया यार, ये पुराना एडवांस का क्वेश्चन था, मैं कई साल से करवा रहा था वैसे, बट लंबा है थोड़ा यार, उन्होंने दे ही दिया था क्वेश्चन, तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक, देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, ये पहले इस साल का पेपर तो भी लाया हूँ मैं करके, पहले जो एडवांस में आया था पहले वो देख लो। अब तो क्या रह गया एडवांस में, अब तो मेन वालों ने इसको सेम टू सेम डाल ही दिया। जब उन्होंने कहा एन मोल्स ऑफ गैस है, ग्राफ है, मैक्सिमम टेम्परेचर निकाल लो बस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जब पी और वी का ग्राफ गिवन हो और बात वो करे टेम्परेचर की, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पीवी ग्राफ में से टेम्परेचर की क्वेश्चन निकालनी हो, एक तरीका है लाइन की क्वेश्चन बना दो। लाइन की क्वेश्चन मैथ्स में लोग बनाते हैं, वाई माइनस वाई वन स्लोप एक्स माइनस एक्स वन, यही रूल होता है। ठीक, तो प्लीज मेडिकल वालों इस क्वेश्चन को भी प्लीज आपको छोड़ने छोड़ना पड़ेगा, दो चार पांच क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है बस इस कैटेगरी के। राइट, तो लाइन की क्वेश्चन, बाकी पता नहीं लगता भाई आपको भी लाइन की क्वेश्चन तक तो आपको भी क्वेश्चन आए ही हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आते। तो लाइन की क्वेश्चन के अंदर याद रखना, ये लाइन की क्वेश्चन का मैंने फॉर्मूला लिखा मैथ से, वाई एक्सिस में क्या चल रहा है प्रेशर, वाई वन की वैल्यू इसमें काम करते हैं, ये एक्स वन वाई वन ले लेते हैं, वाई वन क्या चल रहा है इसमें, पी नॉट कुछ भी ले लो, चाहे वो ले लो चाहे वो ले लो, मैथ्स में पता ही है आपको। और वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन का मतलब, मान लो ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है, वैल्यूज को पुट किया, और एक्स एक्सिस में क्या चल रहा है वॉल्यूम, और एक्स वन की वैल्यू क्या ली टू वी नॉट, तो आपके पास ये टर्म आ गई। यहां से लाइन की इक्वेशन आ गई, यानी कि पी और वी के बीच में रिलेशन आ गया, इसको आपने ओपन किया, ओपन करके पी माइनस पी नॉट, ओपन करके पी माइनस पी नॉट की वैल्यू आ गई, और सॉल्व करके पी एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, ये देखो उसने पी और वी की लाइन की इक्वेशन निकाल दी। मैथ्स वालों को आने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो आई गया इसका क्वेश्चन, ठीक है वो लाइन की इक्वेशन निकालना जानते ही हैं, तो प्रेशर और वॉल्यूम की आपको ग्राफ नहीं पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन पता लग गई, पर आपको तो टेम्परेचर चाहिए, गैस की इक्वेशन सबको आती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, इसको रिप्लेस करो एन आर टी बाई वी, क्या चाहिए टेम्परेचर, टेम्परेचर एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, टेम्परेचर आ गया। अभी भी रुका नहीं क्वेश्चन, उसने कहा मैक्सिमम टेम्परेचर निकालो। अब मैथ्स में आप लोग करते हो मैक्सिमा मिनिमा, टेम्परेचर मैक्सिमम निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ा, डिफरेंशिएट और इक्वल टू जीरो, मेडिकल में नहीं आएगा प्लीज, अब ये बिल्कुल भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी आया, फिर वी को ऊपर पुट किया क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने के लिए वैल्यू निकालनी चाहिए थी, स्टूडेंट के साथ थोड़ा गलत किया मेरे को लगता है यार, कहाँ से बेचारा 2 मिनट में इसको कहाँ से कवर करेगा यार, थोड़ा मुश्किल है, पर ठीक है यार, अब जैसा आया है तो आया ही है, बट पॉइंट समझ में आया है, मैक्सिमम मैंने पूछ लिया फिजिक्स में। ठीक, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन डाला, अभी दिखाऊंगा, अभी दो बार इकट्ठे मेंस के क्वेश्चन में, दो बार इकट्ठे यही क्वेश्चन आया, कंसेक्टिव ईयर में बता रहा हूँ, पुराना पेपर खोल के देखोगे ना एक के बाद एक आपको क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, एफिशिएंसी के ऊपर, मेडिकल में भी आया हुआ एफिशिएंसी के ऊपर, नॉन मेडिकल, बस एक ही तरीका एफिशिएंसी निकालने का, आपको वो साइकिल देगा एक बना के एबीसीडी, कहेगा कि बताओ इसकी एफिशिएंसी क्या है। अब एफिशिएंसी तो इंजन की होती थी, कार्नोट साइकिल की, इसकी कौन सी एफिशिएंसी है, ये तो कार्नोट भी नहीं है। तरीका सुन लो, एफिशिएंसी का मतलब होता है कितना नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आया साइकिल का और कितनी हीट हमने सप्लाई की, तो हीट सप्लाई की, हीट जब सप्लाई करते हैं एक सिस्टम में तो हीट को क्या लिखते हैं पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड नेगेटिव होती है, हीट एडेड पॉजिटिव, कितनी हीट एड की वो निकालो और वर्क डन निकालो, 100 से मल्टीप्लाई करो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला समझ में आ गया। तो एफिशिएंसी की प्रॉब्लम में बस यही फॉर्मूला लगेगा। अब वर्क डन निकालना कितना आसान है, इस एरिया एरिया निकाल दें साइकिल का, पी नॉट इंटू वी नॉट, वर्क डन आ गया, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालनी है हीट सप्लाइड, राइट, हीट सप्लाइड देखें, हीट सप्लाइड कब होती है, अच्छा अगर मैं गैस को हीट दूं
तो बोलो गैस क्या होगी, एक्सपैंड की कंप्रेस, एक्सपैंड राइट। तो मुझे हीट सप्लाई जब मैं करूंगा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो अब एक काम करते हैं, इन चारों कर्व में से यहां से आपको यह देख के बताना है कि प्रेशर कहां बढ़ रहा है। ए बी में बढ़ रहा है, इसका मतलब मैंने हीट सप्लाई की होगी, प्रेशर बढ़ रहा है ना, और वॉल्यूम यहां बढ़ रहा है, मैंने यहां भी हीट सप्लाई की होगी, एक्सपेंशन है। प्रेशर कम हो रहा है, मैंने हीट इन सप्लाई की, रिजेक्ट हुई है, और वॉल्यूम कम हो रहा है, हीट रिजेक्टेड है। तो हीट सप्लाइड में कौन कौन सा कर्व समझ में आ रहा है, ए बी और, तो बस ए बी और बी का क्यू निकलेगा और कुछ ही निकलेगा, ठीक। क्यू पॉजिटिव समझ में आ रहा है, कहां से कहां निकलेगा, तो क्यू पॉजिटिव की वैल्यू या तो ए बी की आएगी या फिर डीसी की आएगी, सारी नहीं आएगी, राइट। तो ए बी के लिए ग्राफ को अगर चेक करें तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, देख लेते हैं ग्राफ को एक मिनट। ए बी अगर आप चेक करो एक मिनट के लिए, ये रहा ए बी, ए बी के लिए वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट है। अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है और मुझे क्या चाहिए, मुझे हीट चाहिए, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट निकालने का क्या तरीका है, सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी में लग जाएगी, तो सी पी यूज करेंगे कि सी वी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो अब कोई भी बता देगा यार सी वी यूज करेंगे। तो एन, और इस गैस के लिए मोनोटॉमिक के लिए 3/2 R सी वी इंटू डी टी। अब 3/2 N यहां पर क्या आएगा, आर डी टी, लेकिन अब क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट की बात हो रही है, तो P वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, प्रेशर dP, nR dT। ये ध्यान से इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये dP आएगा, चेंज इन प्रेशर तो है। तो nR dT की जगह क्या पुट करें, VdP, और VdP इस AB ग्राफ में चलते हैं एक मिनट। ये आपके पास AB ग्राफ, AB ग्राफ में वॉल्यूम कितना चल रहा है बोलो, V नॉट, और प्रेशर dP कितना है, 2P0 - P0। तो dP आ गया और वॉल्यूम भी आ गया, तो इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, ये रहा। तो मैंने वॉल्यूम की जगह क्या पुट कर लिया, चेक करो, V0, प्रेशर में 2P0 - P0 इज P। अभी तो आधा भी क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि अभी तो dQ निकला है AB का, अब आगे निकलेगा BC का। BC के अंदर अगर ग्राफ में चलें, ये आपका ग्राफ है BC, BC ग्राफ में क्या चीज कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, राइट। तो प्रेशर कांस्टेंट में हीट के लिए CV की CP, तो आप चेक कर सकते हो इसमें, जब प्रेशर कांस्टेंट है, कितना प्रेशर चल रहा है ग्राफ के हिसाब से, 2P0 चल रहा था उसमें, तो क्या लगेगा, CP की वैल्यू याद होनी चाहिए, 5/2 R into dT। फिर इक्वेशन लिखी गैस की, PV इक्वल टू nRT, जब डिफरेंस, अगर अब इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट, अब क्या निकलेगा, डीवी, पी डीवी इज इक्वल टू एनआर डी टी। पिछले केस में क्या चीज कांस्टेंट थी, वॉल्यूम, तो याद है डीपी करते थे, और इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है तो डीवी करते हैं, तो एनआर डी टी की जगह पी डीवी। अब प्रेशर कितना चल रहा है कांस्टेंट इस केस में, 2P0, तो प्रेशर की जगह यहां क्या करेंगे, 2P0 डीवी। ग्राफ में वापस चलते हैं, इस ग्राफ में बी से लेके सी तक डीवी क्या आएगा, 2V0 - V0, डीवी आ गया, प्रेशर 2V0 है, तो इसमें प्रेशर की जगह 2P0, वॉल्यूम की जगह 2V0 - V0, चेंज इन वॉल्यूम सॉल्व करने पर की वैल्यू आएगी, तो टोटल हीट क्या आएगी, इन दोनों का सम, एफिशिएंसी आएगी। क्या बोलते हो, ठीक किया डालने वाले ने कि थोड़ा गलत किया ये भी,
तैयार होके गए होंगे इसमें तो एफिशिएंसी पुराने पेपर करके ही गए होंगे। देखो फायदा हो गया उन्हें, उन्होंने कहा कि गैस मोनोटॉमिक बिल्कुल सेम ग्राफ उठा के दे दिया, कुछ नहीं कहा उसने, कहा एक साइकिल में सिंगल साइकिल में अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स कितनी है। अब मुझे एक चीज बताओ कि क्यू पॉजिटिव क्या था पिछले क्वेश्चन में, कि कितनी हीट हमने गैस को दी, कहां से उठाई, सोर्स से उठाई, तो क्यू पॉजिटिव निकाला था ना ऐड करके, हीट प्लस इसकी हीट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर की, कितना आया था, ये आया था डिनोमिनेटर में। अभी ऊपर देखो, अगर ऊपर का क्वेश्चन देखा जाए, ये रहा ऊपर का क्वेश्चन, इसके डिनोमिनेटर में ये आया था ना, ये रहा हीट पॉजिटिव हीट, ये क्या थी हीट, क्यू पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव का मतलब गैस को हीट मिली, कहां से मिली, सोर्स से मिली, तो सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आंसर बनेगा, लेकिन सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हीट लॉस हो गया। सोर्स कहते हैं मेरा तो नुकसान कर दिया, तुमने गैस को पॉजिटिव दिया पर मेरा तो नुकसान किया, तो आंसर क्या मार्क करना था, नेगेटिव में, बाकी सेम है सारा कुछ, फंसा लेगा पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर, जिसका नुकसान हो रहा है उसके आगे माइनस लगा के आना, जिसको फायदा हो रहा है उसको प्लस लगा के आना। देखो मैंने कहा कि पिछले क्वेश्चन में हमारी जो हीट गैस को मिली, गैस वो इतनी थी, कहां से मिली हीट, सोर्स से मिली, तो क्वेश्चन है कि सोर्स से कितनी हीट मिली, इतनी मिली, ये आंसर आ गया, माइनस साइन ये बता रहा हूं कि सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोर्स कहेगा मेरा नुकसान हो गया, आपने मेरी हीट ले ली, तो अगर गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दोगे तो इट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि गैस को फायदा हुआ, देखो बिजनेस कर रहे हैं, मेरा लॉस हो गया इसका फायदा हो गया, ₹10 मेरा लॉस, ₹10 फायदा, ये कहेगा मेरा आंसर +10 है, मुझे फायदा हुआ। सोर्स क्या कहेगा, मेरा आंसर -10 है, पर मैग्नीट्यूड हमारा, ये समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आंसर क्या आएगा, माइनस, सोर्स का लॉस हुआ है, कोई डाउट इसमें, समझ में आया यहां तक, ये एक साइकिल की बात हो रही है। मान लो क्वेश्चन नेक्स्ट बनाता हूं, उसने कहा 3 साइकिल का लॉस बताओ, जो आंसर आया ना इसको 3 से, अब ये पर साइकिल है, ये एक साइकिल की कैलकुलेशन है, अगर 3 होगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको, फिर आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक, तो ठीक है, ये क्वेश्चन इतना बुरा नहीं है वैसे एफिशिएंसी वाला। लो फिर देखो क्वेश्चन है कि सपोज करो 4 millimoles ऑफ मोनोटॉमिक गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस गिवन हैविंग आइसोथर्मल टेम्परेचर 300 और 600। तो ए बी सी डी ये ग्राफ गिवन है, ये 300 और ये 600 गिवन है आपको, आइसोथर्मल टोटल वर्क डन आपको गिवन है पूरे प्रोसेस का, ये रहा एक्स निकालो कहता है, तो टोटल जो वर्क डन होगा वो आइसोथर्मल का, इस देखो इसमें तो वर्क डन होगा ही नहीं क्योंकि वॉल्यूम इसका कॉन्स्टेंट है, आइसोथर्मल में होगा, आइसोथर्मल का वर्क डन क्या होता है, एनआरटी मैंने 10 यूज किया तो 10 नहीं यूज किया तो 2.303 नहीं आएगा, टू दी बेस ई चल रहा है, वो इसलिए यूज किया क्योंकि बेस यहां पर क्या चल रहा है क्वेश्चन में, ई चल रहा है, मेडिकल को प्लीज ये भी दोनों एक्सक्यूज करना पड़ेगा क्योंकि लॉग के बेस जो है, वैसे तो मेरे को समझ में आता ही होगा, केमिस्ट्री में करते हो आप लोग ये, अगर ये समझ में आता है मेडिकल वालों को, अगर 10 बेस है तो 2.303 आएगा, अच्छा समझ में आता है, ओके तो ठीक है, फिर तो आपने वर्क डन निकाल लिया, एन आर टी वन लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम होता है, इसमें फाइनल वॉल्यूम कितना है, अच्छा ये रहा टी वन, फाइनल वॉल्यूम कितना है वी नॉट, इनिशियल कितना है 2V0, और यहां पर फाइनल वॉल्यूम कितना है वी नॉट और इनिशियल कितना है V0, तो ये दो फॉर्मूला लगा लोगे, दो फॉर्मूला लगा के ये क्या आएगा, V0 कैंसिल तो हाफ आ गया, और ये क्या आएगा 2 आएगा, अब आप ये 2 की पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा, और लॉग का रूल है -1 बाहर आ गया तो -nRT1 लॉग ऑफ 2 हो गया, nRT2 लॉग ऑफ 2 हो गया, इन में से लॉग ऑफ 2 nR कॉमन आएगा तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, और टेम्परेचर आपको T1 T2 दोनों गिवन है, एक 100 गिवन है और एक 300 गिवन है, सॉरी 600 और 300 गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स पता है, आर को आर रखेंगे, सॉल्व करके ये टर्म आ जाएगी, हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इतना गिवन है, आ गया ना आंसर उस फॉर्म में, तो कंपेयर करेंगे एक्स कितना आ गया, 6 आ गया, मतलब बेसिकली तो वर्क डन निकलवा लिया उसने उसका आइसोथर्मल का, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकलवाया और उसको अपने वर्क डन के साथ कंपेयर करवा लिया, ठीक है यहां तक। सो
फिर ये एक मेंस का क्वेश्चन आया, मैं फिर देखो वो आपको कैलकुलस के बिना छोड़ेगा नहीं, है तो बात पक्की लग रही है आपको, आपके सामने है, देखो कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है वो, फिर कह रहा है वन मोल ऑफ अ गैस है, सीपीसीवी गामा है, अब वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ ऐसे रिलेटेड है, ठीक है समझ में आ रहा है, ए इज अ कॉन्स्टेंट है फाइन, अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड बाय द गैस इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा, उसने क्या पूछा अमाउंट ऑफ हीट पूछा, मेरे मन में आया कि मैं NCPdT लगा दूं खत्म हो, ठीक एक चीज, अब दूसरी चीज मेरे मन में आई कि DQ में अगर मैं CP लगाता हूं पता नहीं कांस्टेंट प्रेशर पे काम है कि नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर जो फर्स्ट लॉ तो देखो हमेशा एप्लीकेबल है DU+DW या ΔU+ΔW, तो अब एक काम करेंगे डेल्टा डब्ल्यू अलग निकलेगा डेल्टा यू अलग निकलेगा, वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगी हीट आएगी, ये प्रोसेस तब फायदेमंद है जब समझ में नहीं आएगा कि सीपी है सीवी है कांस्टेंट प्रेशर है कांस्टेंट, वो समझ में नहीं आ रहा तो फर्स्ट लॉ ही हेल्प करेगा, और सच में इस क्वेश्चन को देखते हुए कह नहीं सकते कि कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो आपको यही लगाना पड़ेगा, DW निकालने का तरीका PdV, और PdV में P इज वन मोल के लिए RT, तो P की वैल्यू ये पुट की, और वॉल्यूम की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितनी A/T, तो इसको सॉल्व किया तो T ऊपर गया T2, और DV की वैल्यू को निकालने का तरीका मैथ्स वाले लोग क्या करेंगे V = A/T को डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे हर क्वेश्चन में किया, फिर DV और DT का फंक्शन निकालेंगे और DV को इन टर्म्स ऑफ DT करेंगे, मेरे ख्याल से मैथ्स वालों को समझ में आ रहा है क्या है, ठीक समझ में आ गया, यहां तक इसको इंटीग्रेट करेंगे आएगा टेम्परेचर का डिफरेंस इज डेल्टा टी, तो अगेन मेडिकल के लिए थोड़ा मुश्किल है, ये नहीं आया डेल्टा डब्ल्यू नॉन मेडिकल के लोग निकाल लेंगे ठीक इंटीग्रेट करके, अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, अब क्या निकलेगा डेल्टा यू में कौन यूज क्या यूज करते हैं CV यूज करते हैं CV dT, टेम्परेचर डिफरेंस हमें डेल्टा टी पता है तो क्या आ गया डेल्टा यू आ गया, और CV क्या होता है R/γ-1, डेल्टा यू आ गया डेल्टा डब्ल्यू आ गया, फर्स्ट लॉ में ऊपर पुट करेंगे डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यहां से कॉमन आएगा ये टर्म आएगी, एलसीएम लेंगे ये टर्म आएगी राइट, तो आपके पास ये क्या आ गया डेल्टा क्यू की वैल्यू, क्या बोलते हो अच्छा किया ठीक किया या बुरा किया, ये बुरा कर दिया उन्होंने, बुरे हाल कर रहे हैं थर्मो में, मतलब ऐसे तो नहीं सीट देने वाले, पढ़ने वाले कोई सीट मिलेगी है कि नहीं,
moles of diatomic gas with pressure into temperature is a constant. Temperature increases from T to 2T, find amount of work done. अब देखो मुझे समझ में आया ये क्या PET is a constant, ना isothermal, ना adiabatic, क्योंकि सबसे पहले student ये देखता है कि बस किसी तरीके से iso adiabatic आ जाए, मैं Reddit type formula use करूं और काम खत्म हो. उसे नहीं देना वो equation, नहीं देना तो फिर work done निकालने का तरीका ये क्या क्या? PDV. अब PDV की calculation के अंदर क्या करेंगे? PV is equal to NRT, P is equal to PV by NR, और यहाँ से T और P is a constant question में given है, question में. तो T की value को यहाँ put करेंगे, यहाँ put करके P square V by NR is a constant, और यहाँ से solve करके side पे मैंने क्या किया? मैंने P square की value निकाल ली और P square से P आया, constant को K put कर लिया. क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था? P. P चाहिए था और मुझे P भी किस term में चाहिए था? In terms of V. दो तरीके हैं. पहला non-medical वालों को जल्दी समझ में आएगा कि या तो ये P को V की form में ले आओ, V dV बन जाएगी integration. और अगर नहीं कर पाए, P को T की form में लिखा, फिर आपको calculus use करके dT को dV को dT में convert करना पड़ेगा. दोनों में से कोई भी कर लो. ठीक है ना? तो या तो T की form में integration करो या V की form में करो. तो इसमें मैंने उल्टा कर दिया. इसमें मैंने T को eliminate करके P को V की form में निकाल लिया. अब मेरे को dV को dT में convert करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ से आपने P put किया, इसको integrate किया V1 से V2. Integration के बाद ये result आया, upper limit, lower limit. ठीक, integration normal चल रही है. और ऐसा करने पे V2 और V1 की value आ गई. तो यहाँ से इसको इससे multiply किया, इसको इससे multiply किया. बीच में k आ रहा था, pt constant है, p1 v1 p2 t2 is equal to k, a p2 t2, क्योंकि 2 की टर्म चल रही है, जहां 1 की टर्म चल रही है वहां k की जगह p1 t1. तो यहां पर क्या आ गया? nr t2, nr t1. nrt क्या होता है? pv. nrt क्या होता है? pv. तो ये टर्म आपके पास आ जाती है यहां से स्क्वायर में, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये टर्म आ गई. एक बार उल्टा किया, एक्सटेंस फालतू किया मैंने, क्योंकि PV को वापस से NRT कर दिया, उल्टा ही कर लेता, NRT को PV पुट कर लेना था, पर अब लिख बैठा था तो कोई बात नहीं. तो समझ में आ रहा है यहां तक? NRT to NRT1, और change in temperature आपको T2T और T given है, यहां से आंसर आएगा. मतलब आपको कहीं ना कहीं वो जो function बनाने वाला part है ना, उसी में उलझाएगा non-medical वालों को. Medical में नहीं करेगा, please. Medical में आपको direct formula आएगा, work done isothermal, work done. आपको इस type की problem जो आज की जो polytropic आता है आपको, बट ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं आएगा आपको. या अगर आएगा तो फिर ना आपको कन्वर्ट करने को नहीं आएगा, वो इटसेल्फ पी को वी की फॉर्म में ही आपको देगा, आपके लिए इजी बना के देगा. बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक. तो इन क्वेश्चंस को प्लीज, आपको मेडिकल वालों ऑप्शनल है, आप प्लीज अपनी बुक्स रेफर कर लेंगे. आपको कारनोट पे क्वेश्चन आएगा, कारनोट पे आपको पीवी डायग्राम पे क्वेश्चन आएगा, ट्रांसफर ऑफ हीट पे आएगा, केटीजी पे आएगा. चार क्वेश्चन आपके पक्के हैं और सिंपल आएगा. नॉन मेडिकल में तो इनमें से एक आएगा. लो एक और क्वेश्चन, ये आसान है, ये तो देखने में ऐसा है लेकिन ये है नहीं ऐसा, ये इजी है. टू मोल्स ऑफ गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन इज कूल्ड आइसोबैरिकली एंड प्रेशर इज हाफ, देन आइसोबैरिकली गैस एक्सपैंड हो गई टिल टेम्परेचर बिकम्स 300 केल्विन, फाइंड टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस. तो मैंने इस पूरे को ऐसे समझा, मान लो प्रेशर पी टी नॉट वी है, इनिशियल कंडीशन क्लियर है यहां तक. पहला प्रोसेस क्या? आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक है, तो प्रेशर उसने कहा हाफ कर दो और वॉल्यूम को क्या रखने? सेम. आइसोकोरिक है, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर का बताया ही नहीं. तो पी वी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर को हाफ कर दो, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो ऑब्वियसली अगर ये हाफ होगा तो टेम्परेचर भी हाफ. तो इसलिए फिर अपना दिमाग लगा के टी टू पुट करना है इक्वेशन साथ. फिर क्या है? आइसोबैरिक, प्रेशर विल रिमेन सेम. उसने कहा प्रेशर सेम है और वॉल्यूम को कहता है डबल कर दो, टेम्परेचर का फिर नहीं बताया, फिर इक्वेशन लिख ली. इस बार प्रेशर कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम डबल हुआ तो टेम्परेचर भी डबल. ये वेरिएबल समझ में आ रहा? अच्छा, टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर डबल किया तो वॉल्यूम ऐसे कर लो, फिर वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही. मतलब पहले मैंने सही किया ना, एकदम पूरा चार्ट बना लिया. अब मेरे को समझ में आ गया कि इसमें इक्वेशन लगेगी, डी क्यू निकलेगा, इसमें dQ निकलेगा, फिर ऐड कर दूंगा. टोटल हीट एब्जॉर्ब निकालनी है ना, तो इसके लिए आइसोकोरिक से शुरू किया उसने. आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है,
चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, वर्क डन भी जीरो है। पार्टिकल कोरिलेशन में डी क्यू किसके इक्वल होगा, डी यू के इक्वल होगा। और डी यू निकालने का मतलब है क्या यूज करना, सी वी यूज करना। सी वी क्या होता है, आर बाई गामा माइनस वन। तो यहां से आर बाई गामा माइनस वन और टेम्परेचर चेंज उस पर चार्ट से फाइनल माइनस इनिशियल आंसर में आ गया। अब चलने दो। फिर ऐसे किसके लगेगा, आइसोबारिक के लिए फिर से फर्स्ट लॉ। आइसोबारिक में यहां सी वी पुट करेंगे और डी डब्ल्यू जीरो नहीं होता, डी डब्ल्यू में पी डी वी। तो आइसोबारिक में प्रेशर क्या चल रहा है, पी नॉट पी पी बाई टू यहां से, और चेंज इन वॉल्यूम यहां से निकाल लेना वी से टू वी, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो सॉल्व करोगे तो डी टी बचे, यहां से निकालना पड़ेगा टी नॉट बाई टू से टी नॉट, तो टी नॉट फाइनल माइनस इनिशियल। जहां डी टी यूज हो रहा है यहां से चेंज इन टेम्परेचर, जहां डी यूज हो रहा है, ये सब चार्ट को देखते हुए सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास डी क्यू डैश का। तो ये डी क्यू आ गया, डी क्यू डैश आ गया। तीन टाइप के क्वेश्चन पूछेगा अब, ये देखो तीन टाइप के क्वेश्चन है। वो पूछेगा टोटल हीट बताओ कितनी है, टोटल हीट में दोनों हीट को उठा के एड कर दो, डन। फिर वो पूछेगा टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड कितनी है। अब एक आंसर आया है नेगेटिव में ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या आया है पॉजिटिव में। पॉजिटिव हीट मानी जाती है हीट एब्जॉर्ब्ड, नेगेटिव का मतलब हीट रिजेक्टेड। तो हीट एब्जॉर्ब में जो पॉजिटिव क्वांटिटी आई बस वही आंसर माना जाएगा पॉजिटिव क्वांटिटी वाला। और नेक्स्ट है हीट रिजेक्टेड बताओ, तो दोनों में से जो हीट माइनस में आई थी वो हीट रिजेक्टेड है। क्या बोलते हो, ठीक किया ये तो, ये तो ठीक ठीक हो गया, ये तो बुरा नहीं है इतना। मेडिकल दोनों में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, सिंपल क्या होता है गामा, आइडल गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर। तो गामा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वॉल्यूम वी डैश का फॉर्मूला याद है मैं किया था, तो वी डैश माइनस वी डेल्टा वी या डीवी का ये फॉर्मूला। तो गामा क्या बनेगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर। इस फॉर्मूले को यहां लिखा, आइडल गैस के लिए पीवी एनआरटी और इसके अंदर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो P कांस्टेंट है इनटू dV और यहां पे dT। तो यहां से dV निकालो, dV को यहां पुट करो, ये टर्म आ गई, dT dT क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया ये टर्म। अब मुझे पता है P क्या होता है, nRT by PV is equal to nRT rather, सब कुछ कैंसिल हो गया, 1 by T ऑप्शन मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, ये तो ठीक है अपनी रेंज में है, फॉर्मूला पता होगा तो कुछ ना कुछ तो निकाल ही देंगे वहां पे जाके, ऑप्शन भी बताओगी, टेम्परेचर भी निकालना, सब एलिमिनेट करके आएंगे। ठीक ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है और टेम्परेचर साथ में मेंशन है टी वन टी टू, आप बस ये बताना है टेम्परेचर किसका बड़ा किसका छोटा। तो आपने क्या करना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर इज पीवी बाय एनआर। अब ये तो कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर किसका बड़ा होगा, जिसका पी इंटू वी का प्रोडक्ट बड़ा होगा। ले लो कोई भी एक लाइन खींच लो, तो प्रेशर और वॉल्यूम कंसीडर करो, इसका कंसीडर करो, तो साफ पता लग रहा है कि ऊपर वाले कर्व का प्रेशर भी ज्यादा है, पी इंटू वी का प्रोडक्ट नीचे वाले कर्व से ज्यादा आएगा, तो टेम्परेचर टी टू ग्रेटर देन टी वन आ जाएगा। ठीक, तो सीधा ही आ जाएगा यहां से, कोई भी देखना कट मार लो कैसे,
जैसे नॉर्मल करते हैं, तो एक कोऑर्डिनेट इसका आएगा प्रेशर और वॉल्यूम का, एक इसका आएगा, इसका बड़ा आएगा, इसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इसका प्रेशर बड़ा है, इसका प्रेशर छोटा है, तो इसका पी इंटू वी का प्रोडक्ट बड़ा है, इसका पी इंटू वी का प्रोडक्ट छोटा है। मैं अपलोड करूंगा पूरा लेक्चर, शीट्स का प्रिंट आउट भी अभी अभी निकाल ही देंगे टेस्ट के टाइम पे, अभी एक घंटा लगेगा सिर्फ, तो इसमें आप शीट रख लेना, एक बार फिर से इसको रिवाइज करना हो तो पूरा लेक्चर कंप्यूटर पे खोल के रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, टाइम बच जाएगा आपका और भी, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा अभी शीट नहीं है ना, तो उससे बेटर हो जाएगा आपके लिए। ठीक, सेम क्वेश्चन आया फिर से, कह रहे एम टू एम वन का ही बता दो चलो क्या होगा, कौन बड़ा, सेम क्वेश्चन है, सेम इक्वेशन, मेथड भी सेम है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह एम बाई एम, तो हमने स्मॉल एम के बारे में बताना है, तो स्मॉल एम एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, ये सब कांस्टेंट है किसी भी गैस के लिए, तो अगेन मास इज प्रोपोर्शनल टू पी इनटू वी का प्रोडक्ट सेम है, और पी इनटू वी का प्रोडक्ट फिर से एम टू का बड़ा आएगा, एम वन का छोटा आएगा, तो एम टू ग्रेटर देन एम वन, सेम ही रूल लगाना है इसमें भी, बस ये कि जो निकालनी है टर्म उसको लेफ्ट पे और बाकी वेरिएबल्स राइट पे। नेक्स्ट है, इसके अंदर कौन सा ग्राफ गिवन है, पी और टी का ग्राफ गिवन है, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ गिवन है, और आपको क्या निकालना है, आपको यह बताना है कि चेंज इन वॉल्यूम, रिगार्डिंग चेंज इन वॉल्यूम में आप क्या बताओगे। देखो ग्राफ पी टी का दे रहा है, बात वॉल्यूम की कर रहा है, तो जब तक वॉल्यूम की इक्वेशन नहीं आएगी बात नहीं बनेगी, और मुझे पता है वॉल्यूम जब कॉन्स्टेंट है पी वी इक्वल टू एन आर टी में, वॉल्यूम अगर कॉन्स्टेंट होता, या इसमें है नहीं, अगर मान लो कांस्टेंट होता तो एन आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो पी प्रोपोर्शनल टू टी है, ऐसा होना चाहिए था, और अगर पी प्रोपोर्शनल टू टी है तो ग्राफ कहां से पास होना चाहिए था, ओरिजिन से, मेरा ग्राफ पी और टी का ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो मेरे क्वेश्चन में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो कम से कम ये तो ना कहें इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अब इस केस में, इस फिगर में यह पता लगता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, पी वी इक्वल टू एन आर टी है, टेम्परे यहां से वॉल्यूम इज इक्वल टू पी नीचे आ गया, अब मुझे ये पता है जिसकी टी बाय पी की रेशियो बड़ी होगी, टी बाय पी की रेशियो बड़ी होगी इस ग्राफ से, उसका वॉल्यूम बड़ा होगा, ठीक है ना, तो उस ग्राफ से देखते हैं टी और पी की रेशियो ए की बड़ी है या बी की बड़ी है, जिसकी भी बड़ी होगी उस हिसाब से वॉल्यूम आएगा। अब वही कहानी, ग्राफ दे रहा है पी का, चाहता क्या है, वॉल्यूम निकालना, तो मैंने बताया कि एक ही तरीका है स्ट्रेट इक्वेशन, अभी बताया ना थर्ड वेरिएबल, जब नया वेरिएबल आएगा तो इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में y इक्वल टू mx + c, y एक्सिस में कौन चल रहा है प्रेशर, x एक्सिस में कौन चल रहा है टेंपरेचर, और ये सब कांस्टेंट्स निकलेंगे, कुछ भी लगा लो a एंड b, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इसको एक काम करते हैं t से डिवाइड कर देते हैं टेंपरेचर से, तो किसकी रेशियो आ गई, p / t की रेशियो आ गई, p / t की रेशियो आपके सामने है। ठीक, ग्राफ में अगर देखें तो बताओ ए का टेम्परेचर बड़ा है कि बी का टेम्परेचर बड़ा है, बी का, बी राइट की तरफ है, ए लेफ्ट की तरफ है, बी का टेम्परेचर ग्रेटर देन ए है, तो इसका मतलब अगर बी का टेम्परेचर ए से बड़ा है तो उस केस में जो स्मॉल बी तो वैसे ही कांस्टेंट है, स्मॉल बी इज अ कांस्टेंट, तो बी बाय टी बी इज लेस देन बी बाय टी ए, इनइक्वालिटी है मैथ्स में, अगर ये इससे बड़ा है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और अगर ये छोटा होगा तो पी बाय टी, पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी बाय टी बी का पी बाय टी ए से कम होगा, आपके सामने है, पी से मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट, तो यानी कि बी के लिए अब उल्टा कर रहे हैं, रेशियो को उल्टा ले रहे हैं टी बाय पी, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज, तो जब उल्टा करते हैं तो रेसिप्रोकल लेते हैं, इनइक्वालिटी चेंज होती है, तो टी बाय पी बी के लिए टी बाय पी ए से बड़ा है, और हमारी क्वेश्चन क्या थी, ये थी, तो बी की टी बाय पी रेशियो बड़ी है तो टेम्परेचर वॉल्यूम भी बी का बड़ा है, तो मैं रिपीट करता हूं, गैस की क्वेश्चन से पहले यहां तक लिख लो पी और टी का रिलेशन, लाइन की क्वेश्चन से लिख लो, यहां से निकाल लो पी बाय टी, ठीक, ग्राफ में पता लगता है कि बी का टेम्परेचर ए से बड़ा है, और इसको डिवाइड कर देते हैं यहां से इस टर्म को देखते हुए, इस टर्म को देखा तो बी का टेम्परेचर ए से बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल छोटा होगा, पी से मल्टीप्लाई कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये आया, तो पता लग रहा है कि टी बाई पी की रेशियो बी की बड़ी है तो वॉल्यूम बी का बड़ा है। ठीक, इनइक्वालिटीज से निकालना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है।
कांस्टेंट से मल्टीप्लाई फर्क पड़ता है इनक्वालिटी में, इनक्वालिटी में फर्क पड़ता है वैसे, पी कांस्टेंट नहीं है? नहीं नहीं वो तो जितना चेंज हो रहा है वो तो राइट और लेफ्ट वो तो चलो ठीक होगी आपकी बात, पर मैं वैसे कह रहा हूँ किसी इंस्टेंट पे पी पे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क पड़ेगा कि जब टेम्परेचर टी है और उस इंस्टेंट पे प्रेशर पी है और मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया तो अगले इंस्टेंट पे टी भी चेंज होगा पी भी चेंज होगा। वो तो ठीक हो गया ए और बी पे प्रेशर चेंज, वो तो मैं तेरी कहानी समझ गया, पर मैं कह रहा हूँ मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ये गलत है लिखना कि अगर मैं दोनों टर्म्स को पी से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी में चेंज आएगा। मैंने तो बोला ही नहीं पी से। ओ अच्छा हाँ राइट ठीक बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ए और बी अलग अलग दो पॉइंट्स हैं और क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है तो ए का प्रेशर पी ए है बी का प्रेशर पी बी है, हाँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है इनइक्वालिटी क्योंकि बी का प्रेशर और ए के प्रेशर की वैल्यू में फर्क है, हाँ वो ठीक है। अगर सेम क्वांटिटी होगी पी एंड पी तो ठीक चलेगा, हाँ मैथमेटिकली गलत है, वैसे ठीक है जो कह रहे हैं कि प्रेशर की वैल्यू इसमें बढ़ती जा रही है वो बात अलग है इसमें, पर वैसे आइडिया तो हो ही रहा है यहाँ से क्वेश्चन का आइडिया तो हो ही रहा है कि कैसे करना है किसमें। इतना कुछ करने के बाद सिर्फ तीन क्वेश्चन सुन के जाओ, इन तीन क्वेश्चन ये तीन क्वेश्चन 2018 के क्वेश्चन है। अब इतना ये बल्क जो तैयार किया ये मेरी तरफ से था, मुझे लगता है कि ये बुक्स में से ये करना चाहिए। अब देखते हैं मेंस वाले क्या पूछते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन है टू मोल्स ऑफ एन आइडल मोनोटॉमिक गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम वी एट 27 डिग्री सेल्सियस, गैस एक्सपैंड एडियाबेटिकली, चलो एडियाबेटिक दे दिया और वॉल्यूम क्या कर दिया डबल, क्या क्वेश्चन दिया, टेम्परेचर निकालो एडियाबेटिक में बस, तो टेम्परेचर निकालना है, चार्जर ऑन करना बैटरी। तो इस क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन पूछ रहे हैं पहले तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में पीवी रेस टू पावर गामा इज अ कांस्टेंट इक्वेशन होती है या टीवी रेस टू पावर गामा माइनस वन, तो टेम्परेचर वॉल्यूम का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में टी वन वी वन टी टू वी टू लगाया, टेम्परेचर गिवन है पहला, दूसरा निकालना है वॉल्यूम पहले वी है और बाद में डबल हो गया, गामा नहीं गिवन मैंने लिखा नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, गामा निकालना पड़ेगा, मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो गामा 5/3, तो इस 5/3 को खुद ही पुट करना पड़ा स्टूडेंट्स को यहाँ पे, तो वी कैंसल टेम्परेचर ये आ गया, टेम्परेचर ये आया और गामा की जो वैल्यू है वो कितनी है 5/3, यहाँ आके गाड़ी अटक क्योंकि आंसर तो 189 केल्विन था, अब लोगों को अप्रोक्सीमेटली करना पड़ा, वो कैसे किया वो अपना मैथ्स लगा के जैसे भी करोगे 2/3 रूट ये आंसर दिया। सही किया कि गलत किया, सही किया क्यों वो तुम देख लो एप्लीकेशन डेरिवेटिव कैसे काम आएगी, मेडिकल में तो नहीं करेंगे भाई ऐसा आपके साथ, टीवी गामा माइनस क्वेश्चन देखिए मैंने आंसर क्वेश्चन आएंगे बट सही आंसर आएंगे। इन लोगों को ये टर्म पूछी गई और अभी भी रुको मेंस का क्वेश्चन भी रुका नहीं है, खत्म नहीं हुआ, प्लीज अभी खुशी नहीं मनानी क्योंकि अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसने ये भी पूछा इंटरनल एनर्जी भी बताओ इस पूरे इंटरनल एनर्जी में
वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है क्योंकि यू निकलेगा तो सीवी के साथ कैलकुलेशन होगी। मोनोटॉमिक का पुट किया, नंबर ऑफ मोल्स दो हैं इसमें और टेम्परेचर चेंज में टी टू माइनस टी वन। अब क्योंकि टी टू टी वन आ चुका हमारे पास टेम्परेचर चेंज, अब जिसका ये पार्ट नहीं आया तो उसका ये पार्ट कैसे आएगा, वो ये गलत करेगा तो ये भी गलत करेगा, तो आंसर आ गया। क्या बोलते हो, ठीक किया गलत किया? गलत किया, अच्छा नहीं किया? ये तो वो स्टूडेंट है जिसका ए सेट है, पैरेलल में एक और स्टूडेंट बैठा है जिसका बी सेट चल रहा है, उसके साथ देखो क्या हुआ, साथ में दो तीन स्टूडेंट है, अभी देखो दो तीन सेट बनते हैं। वन मोल ऑफ एन आइडल मोनोटॉमिक गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, ये सुन के अच्छा लगता है, आइसोथर्मल सबसे आसान प्रोसेस है, तो टू डबल इट्स प्रेशर, ओके प्रेशर डबल करेंगे एट रूम टेम्परेचर, वर्क डन ऑन दी गैस, मैंने स्टार लगाया वो स्टार लगा के नहीं देगा, ऑन दी गैस, ठीक है। तो वर्क डन की वैल्यू बताता हूं क्यों, यहां उसने कॉन्सेप्ट घुमाया, वर्क डन आइसोथर्मल में हमें आता है 2.303 नहीं लगाया तो लॉग का बेस ई चल रहा है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने किया हुआ है, देखो फॉर्मूला लिखा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट पे ये फॉर्मूला होता है, और क्योंकि प्रेशर की फॉर्म में फॉर्मूला लेके आना है तो पी वन वी वन पी टू वी टू होता है, तो वी टू बाई वी वन क्या होगा पी वन पर, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, पी वन का मतलब इनिशियल और पी टू का मतलब फाइनल प्रेशर, तो इनिशियल पी गिवन है फाइनल टू पी गिवन है, लॉग हाफ टू ऊपर गया रेज टू पावर माइनस वन, माइनस बाहर आ गया माइनस 300 आर नेचुरल लॉग ऑफ टू, माइनस साइन क्या शो कर रहा है वर्क इज डन, क्योंकि फिजिक्स में वर्क डन ऑन दी गैस नेगेटिव है बाय दी गैस पॉजिटिव, उल्टा होता है केमिस्ट्री से, तो ये ठीक किया, ये फिर भी ठीक है, ये ठीक है, बढ़िया है, तो मतलब एक स्टूडेंट की किस्मत दूसरे की थोड़ी सी ऐसी रही, तीसरे का देखते हैं क्या हुआ। दो एक और सेट बना हुआ था 2018 में, ग्राफ दिया, ग्राफ की वैल्यूज भी दी, वन मोल ऑफ आइडल मोनोटॉमिक गैस इज टेकन अलोंग दी पाथ एबीसीए, मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड बाय दी गैस, वो कैलकुलस वाला जो आज क्वेश्चन किया था, ये देखो सेम क्वेश्चन है, कैलकुलस करके याद है टेम्परेचर को मैक्सिमम करो, बस वो ट्राइंगल दे गया, लाइन की क्वेश्चन बनाते रहना घर जाके इसको, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, आंसर अलग है, तो ये एक बार घर जाके आपको देखना है कैसे करना है, मेडिकल को नहीं देखना प्लीज, ये वाला कैलकुलस वाला पार्ट नहीं देखना। और लास्ट क्वेश्चन 2017 में जो आया वो भी देख लेते हैं, द टेम्परेचर ऑफ ओपन रूम और वॉल्यूम गिवन इंक्रीजेस फ्रॉम 17 to 27 ड्यू टू सनशाइन, अब ये ना ये ऐसे ऐसे वर्ड बहुत यूज करता है, क्या फर्क है, थर्मोडायनामिक का क्वेश्चन है यार, बच्चे डर जाएंगे वो फोटोन फोटोन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना शुरू कर देंगे। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द रूम रिमेंस गिवन एन आई एन एफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है, मोल्स नहीं है मॉलिक्यूल्स है, इन द रूम बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग डिफरेंस बताओ क्या होगा, आया तो ठीक क्योंकि इनिशियली पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, फाइनली पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, क्योंकि रूम का ना तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना रूम का, नहीं सॉरी ये बिफोर हीटिंग है होगा क्योंकि हीट करने से वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा राइट, तो बिफोर हीटिंग इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स एन आई है, टेम्परेचर गिवन है, तो ये इनिशियल आ गया, फाइनली क्या हुआ आफ्टर हीटिंग, क्या हुआ आफ्टर हीटिंग, उसने कहा प्रेशर की वैल्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, और ओपन रूम है, फिर एक्सपेंशन भी कैसे होगी, ओपन रूम के अंदर जो होगा ओपन रूम में क्या होगा वॉल्यूम भी सेम, मॉलिक्यूल जो एक्सपैंड होंगे वो तो उड़ जाएंगे, तो सेम, तो पी नॉट वी इक्वल टू एन आर टी टेम्परेचर गिवन है, तो आपको निकालना है कितने जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका डिफरेंस कितना है, तो एक काम करते हैं हमारे पास मोल्स आ चुके हैं, इन मोल्स का डिफरेंस निकाल लो फाइनल एंड इनिशियल, डिफरेंस मतलब जो निकल गए हवा में, एक्सपैंड होने से वो रूम खुला था तो वो निकल गए, तो डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस जब आया तो आपके पास ये सारी वैल्यूज पुट करके ये डिफरेंस आ गया, नंबर ऑफ मोल्स, और अब आपको मॉलिक्यूल्स में जाना है, एवोगैड्रो नंबर बीच में आएगा, एवोगैड्रो नंबर क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चल रहा है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं फाइनल एवोगैड्रो नंबर वो रेशियो आ जाएगी,
एन नॉट एवोगैड्रो नंबर राइट पे गया, डिफरेंस आ गया, माइनस साइन का मतलब उड़ गए, निकल गए, क्या बोलते हो, अच्छा हुआ बुरा हुआ, नॉर्मल हो गया, कह नहीं सकते उसी टाइम क्या हुआ, जो भी हुआ 2018 के अंदर ही हुआ, क्योंकि 17, 16, 15 तक बहुत सही था, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है 2018 की कट ऑफ ऐसी नीचे नहीं गई 78, पेपर में यार लेंथी पेपर था मुझे लग रहा है, मैं जिस भी चैप्टर को उठा रहा हूँ ना, क्वेश्चन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है एक स्टूडेंट को, एक क्वेश्चन को एंड तक लेके जाने में, आते थे क्वेश्चन लेकिन एंड रिजल्ट आना मुश्किल है, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट काफ़ी स्ट्रांग मांगा है इन्होंने। ठीक, तो अब हम लोग तैयार हैं, आप ये देखो एक बार जाके, इसको रिवाइज करो, शीट्स के प्रिंटआउट में भी एक घंटे में निकलवा रहा हूँ, आप इसको करो, और ट्यूसडे को करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्यूसडे को किस चीज़ का टेस्ट है, फुल सिलेबस थर्मो है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, फुल सिलेबस थर्मो का टेस्ट फिर वेडनेसडे को दे देना, एक लेक्चर एक लेट देना, दिन में दे देना, कभी भी आके कोई दिक्कत नहीं है, मैं टेस्ट बना दूंगा, मतलब मैं ट्रांसफर ऑफ हीट खत्म कर दूँ ट्यूसडे को, उसके बाद हम कर लेंगे, राइट। तो अगर बाई चांस क्लास 1 बजे शुरू करूँगा ट्यूसडे, अगर बाई चांस ज़रूरत पड़े तो ब्रेक के बाद फिर अपने अपने बैचेस के अंदर भी उसको फिर करवा दूंगा, जरूरत पड़ेगी नहीं, मुझे लगता है ट्रांसफर ऑफ हीट हो जाएगा खत्म। ट्रांसफर ऑफ हीट में से स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का या स्टीफन लॉ पे, ये दो क्वेश्चन आने हैं, मेडिकल में भी आना है, नॉन मेडिकल भी आ, और बहुत आसान आना है, इसको तो ठीक करवा ही देंगे, ये वाला पार्ट ज़्यादा मुश्किल है।